हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू बिगिनर टू मास्टर चैनल यूपीएससी सीएससी चैनल ऑफ अन अकेडमी। दोस्तों, यहां पर आप एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक्सेस कर सकते हो अनलिमिटेड लाइव एंड द रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद अन अकेडमी। दोस्तों, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलती है हमको डेली लाइव क्लासेस और वो भी स्ट्रक्चर्ड मैनर में, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम एक्सेस कर सकते हैं हर एक एक क्लास का, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। यस भैया, बस करना क्या होगा हमको, हमको गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप स्टोर से हमको अन अकेडमी का जो ये लर्निंग ऐप है वो हमको हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना रहेगा, जिससे हम कहीं पर भी और किसी भी समय पढ़ सकते हैं हमारे फेवरेट एजुकेटर्स के साथ। यस भैया, सुदर्शन गुर्जर, रोमन सैनी, मृणाल पटेल, प्रकाश कुमार, आयु सांगी, ये सब जो है टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं इंडिया के। अमित मोदी नाम है मेरा। दोस्तों, बीटेक क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग में, 4 बार सिविल सर्विस का प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस का एग्जाम दिया, 2 बार इंटरव्यू भी दिया है और 2008 से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ये है मेरा अन अकेडमी पर प्रोफाइल। फ्री लाइव फ्री लेसन्स के लिए आप जो है अन अकेडमी के इस लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो, और ये है मेरा टेलीग्राम का चैनल, आप इस पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग इंडियन आर्क एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली जो आज का टॉपिक हमने कवर किया है वो कवर किया है आर्किटेक्चर के ऊपर। इसके अंदर हम लोग एंशियंट आर्किटेक्चर, मीडियवल आर्किटेक्चर यानी कि इस्लामिक आर्किटेक्चर, और फिर उसके बाद मॉडर्न आर्किटेक्चर, हम ये सारी की सारी चीजें तीनों एस्पेक्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे प्रीलिम्स का ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा सिलेबस कवर होता है अन अकेडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर, चाहे वो प्रीलिम्स का कोर्स हो, चाहे वो मेंस का कोर्स हो, चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो, आंसर राइटिंग कोर्सेज हो, ये चाहे ऑप्शनल कोर्सेज हो, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी के साथ फॉर द यूपीएससी सीएससी सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से। करना क्या होगा दोस्तों, हमको सब्सक्राइब करना रहेगा, हमको प्लस या फिर आइकॉनिक, इन दोनों में से दो कोई भी एक टाइप का हमको सब्सक्रिप्शन चूज करना रहेगा। प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है आप देख सकते हो, 6 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक का जो सब्सक्रिप्शन है दैट कॉस्ट अस, ठीक है, 49,500 फीस 1 ईयर का है। और जैसे ही आप अमित मोदी इसमें रेफरल कोड यूज करते हो, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है फॉर द 1 ईयर कोर्स, 44,550 पेबल होती है, ठीक है। ईएमआई ऑप्शंस में भी आप लोग जा सकते हो, नो कॉस्ट ईएमआई है ना। 2 ईयर का प्रोग्राम 64,800, 3 ईयर का प्रोग्राम 81,000, इसमें आपको मिल जाएंगे डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल में, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, और साथ ही साथ में इंटरव्यू के लिए भी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है यहाँ पर, 12 मंथ का जो कोर्स है वो है 69,500 का। प्लस के तो फीचर्स हमको सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ में एक पर्सनल कोच, एक डेली आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड द पर्सनलाइज्ड फीडबैक, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। अमित मोदी रेफरल कोड जैसे ही आप यूज करोगे, मेरी मेंटरशिप आपको मिलेगी, और साथ ही साथ में 10% का आपको मिलेगा यहाँ पर डिस्काउंट, 62,550 ये पेबल फीस रहेगी। 12 मंथ्स का जो कोर्स है फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट दोस्तों वो है 27,500 का, यहाँ पर 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अमित मोदी रेफरल कोड यूज करने के बाद, 24,750 आपको पेबल अमाउंट रहेगा। दोस्तों, अन अकेडमी कॉम्बैट ये गेमिफाइड वर्जन है, आप इसमें फ्री में एनरोल कर सकते हो, आप यहाँ पर फ्री में एनरोल कर सकते हो आप इसके अंदर, बस आपको अमित मोदी ये जो रेफरल कोड है ये आपको यूज करना रहेगा, ये आपको यूज करना रहेगा 6 मंथ का। दोस्तों, 6 मंथ बचे हैं हमारे पास हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उसके लिए अभी एक 6 मंथ का ये अल्टीमेट बैच शुरू हुआ है 28 दिसंबर से ही, 2 दिन हुए हैं अभी, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये प्लस का कोर्स है, बिल्कुल अमित मोदी रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा। आप जैसे ये रेफरल कोड यूज करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा फी स्ट्रक्चर के अंदर, साथ ही साथ में मेरी मेंटरशिप भी। 6 मंथ एक्सपीडिशन कोर्स, 1 ईयर एक्सपीडिशन कोर्स एंड 2 ईयर एक्सपीडिशन कोर्स, ये हमारे लिए तो इंग्लिश मीडियम में कोर्सेज हैं, और 6 मंथ लक्ष्य, 1 साल लक्ष्य और 2 साल लक्ष्य, ये सब हिंदी मीडियम में कोर्सेज हैं, आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो, और जल्द से जल्द करें दोस्तों। यस भैया, अभी प्राइस हाइक होने वाली है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, जितना जल्दी आप करेंगे यहाँ पर उतना ही ज्यादा आप बेनिफिट में रहेंगे, बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। दोस्तों, ये स्पेशल फ्री क्लासेस है, स्पेशल प्लान है,
फ्री प्लान है, ये फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो इंडियन आर्किटेक्चर के ऊपर अमित मोदी रेफरल कोड यूज करने के बाद। पर इसके लिए आपको अन अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करना रहेगा अपने मोबाइल फोन में। तो दोस्तों लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अन अकेडमी। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने कहा आपको कि आज हम इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडियन आर्किटेक्चर जो है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि एंशियंट, मीडिएवल और मॉडर्न, इन्हीं तीन पार्ट में ये डिवाइडेड है, ठीक है। एंशियंट इंडिया का जो पार्ट है, एंशियंट इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं हरप्पन आर्ट, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, गुप्त एज आर्ट एंड द साउथ इंडियन आर्ट। मीडिएवल में चूंकि ये इस्लामिक रूल था तो दिल्ली सल्तनत, मुगल्स आर्ट, ये हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। एंड देन मॉडर्न के अंदर हम लोग इंडो गॉथिक स्टाइल एंड न्यू रोमन स्टाइल, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं ना। क्या होता है कि यस, क्या हुआ दोस्तों कि जैसे जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है वेरियस क्लासेस इमर्ज होना शुरू हुए, वेरियस क्लासेस ग्रेट एम्पायर्स इमर्ज होना शुरू हुए और फॉरेन इन्वेजन इंडिया के अंदर आना शुरू हुए, इन्वेडर्स आना शुरू हुए, वो अपने साथ में एक डिस्टिंक्ट आर्ट एंड कल्चर, यस डिस्टिंक्ट कल्चर वो इंडिया के अंदर लेकर के आए, जो कि इंडिजीनियस आर्ट के साथ ब्लेंड हुआ, मिक्स हुआ और इवॉल्व हुआ एक नया फॉर्म जिसे हम इंडियन आर्किटेक्चर और द स्कल्पचर आर्ट बोलते हैं। यस भैया, इंडियन आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर आर्ट। अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें हड़प्पन और मॉडर्न टाइम की बात करें तो यहाँ पर, या पोस्ट मॉडर्न टाइम की बात करें तो यहाँ पर स्कल्पचर आर्ट जो थी वो अपने जेनिथ पर पहुंची, स्कल्पचर आर्ट। और गुप्ता एज और साउथ इंडियन आर्ट की हम बात करें तो यहाँ पर आर्किटेक्चर में टेम्पल, टेम्पल एंड पैलेसेस ये इनका जो है कंस्ट्रक्शन, ये अपने जेनिथ पर पहुंचा, ये अपने जेनिथ पर पहुंचा। और जैसे ही इस्लामिक रूलर्स इंडिया के अंदर आए, टर्क्स, पर्शियंस ये इंडिया के अंदर आए तो वो अपने साथ लेकर किया है कुछ डिस्टिंक्ट फीचर, डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो यहाँ पर शुरू होता है इस्लामिक इन्फ्लुएंस के साथ इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। फिर यूरोपियंस आए एंड यस दे ब्रॉट विद देम द यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इन सब के ब्लेंडिंग के साथ, इन्फ्लुएंसिंग के साथ जो है हमारा इंडिया का जो आर्किटेक्चर है और जो स्कल्पचर आर्ट है ये डेवलप होता है। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है इंडियन आर्किटेक्चर की, वो शुरुआत होती है हरप्पन पीरियड से। यस भैया, हरप्पन दे वर द फर्स्ट आर्किटेक्चर्स, फर्स्ट आर्किटेक्ट्स वी कैन से दैट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑफ द वेरियस जो है मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, बट वी कैन से दैट। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द ग्रेट बाथ, यस वी ऑल नो दैट। भैया हरप्पन सिविलाइजेशन, तो सॉरी हरप्पन सिविलाइजेशन को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आप देख सकते हो यहाँ पर, यस ये हमने पढ़ा भी था अभी कुछ देर पहले, है ना, कुछ टाइम पहले, ठीक है। ये इंडस रिवर वैली के अराउंड में, इंडस वैली रिवर वैली के अराउंड में थर्ड मिलेनियम बीसी पीरियड में ये इमर्ज हुई, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पर हमने देखा कि वेरियस आर्किटेक्चर और वेरियस चीजें यहाँ पर इवॉल्व होती है। सबसे पहले जो है यहाँ पर टाउन प्लानिंग, जैसे हम लोग देखे टाउन्स को यहाँ पर, तो सबसे पहले हमको मिले वहां पर उनकी टाउन की प्लानिंग, ठीक है। यस वी ऑल नो दैट कि जो टाउन प्लान्स हैं, जो टाउन्स थे, दे वर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। एक को हम लोग बोलते हैं सिटाडल और दूसरे को बोला जाता है लोअर टाउन। दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरे को कहा जाता है लोअर टाउन, ठीक है। सिटाडल, सिटाडल जो एक हाई माउंट एरिया पे बना हुआ था, और लोअर टाउन, लोअर सिटी जो है, लोअर टाउन जो है ये लोअर रीजन में बनी हुई थी। और रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न के ऊपर, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न के ऊपर जितने भी टाउन्स हैं ये सब ले किए गए थे। अब रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न होता क्या है? इसके अंदर क्या होता है कि जो रोड्स होते हैं वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट ये रन करते हैं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रन करते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर, राइट एंगल के एंगल पर एक दूसरे को कट करते हैं और ग्रिड्स बना देते हैं, ठीक है। यस ये आप देख सकते हो चार ग्रिड्स हैं। अब इसके अंदर भी क्या है कि हाउस बने हुए हैं, इनके अंदर भी एंट्री क्या है बाई लेन्स के साथ है। तो इस तरीके से एक ग्रिड सिस्टम जो है ये डेवलप हो जाता है हमारे अर्थ सर्फेस के ऊपर, तो सॉरी हमारे सिटीज के ऊपर, ठीक है। तो ये पार्ट, तो इसको बोला जाता है द ग्रिड पैटर्न, और द चेस बोर्ड पैटर्न, इसे क्या कहा जाता है? चेस बोर्ड पैटर्न। आपने देखा होगा ना चेस बोर्ड कैसा होता है, तो ये चीज है, ये यहाँ पर चेस बोर्ड पैटर्न, ठीक है, ग्रिड पैटर्न और द चेस बोर्ड पैटर्न यहाँ पर हमको एक्सकेवेशंस में देखने को मिला है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला है कि जो सिटाडल है यहाँ पर हमको पब्लिक बिल्डिंग्स मिले हैं, द ग्रेट बाथ, पब्लिक बाथ, ड्वेलिंग हाउसेस, ये सब हमको देखने को मिली है यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ब्रिक्स का यूज,
यस बर्न्ट ब्रिक्स का यूज, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स है, अगेन भैया ये भी सब आर्किटेक्चर का ही पार्ट है यार, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ आर्ट भैया, आप रहने के लिए अपने लिए घर बनाया, यस सबसे पहले शुरुआत आर्किटेक्चर की यहीं से होती है, होम घर बनाने की। आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है भैया कि क्या पढ़ा था हमने प्री हिस्टोरिक टाइम में, कि जो मेन थे, जो पीपल थे उस टाइम पर, वो कहाँ रहते थे, उनके टू नॉट नो द आर्ट ऑफ मेकिंग द होम, उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने केव्स एंड कैवर्न्स को यूज करना शुरू किया, क्यों किया, जस्ट एज अ शेल्टर, शेल्टर यानी कि यस शेल्टर रहने की जगह, शेल्टर यानी कि बचने की, छुपने की जगह, शेल्टर हम लोग घर को शेल्टर भी बोलते हैं, शेल्टर यानी कि छुपने की जगह, क्यों कहा जाता है इसे शेल्टर, क्योंकि जो इनिशियल प्रिमिटिव मैन था उसे सबसे पहले बिग एनिमल्स से छुपने के लिए केव्स एंड कैवर्न्स को यूज किया, धीरे 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 जब वो सेटल्ड लाइफ लीड करना शुरू किया तो वहां पर रहने के लिए उसने अपने लिए घर बनाना शुरू किया, एंड ही वॉज नॉट अवेयर विद द बर्न ब्रिक टेक्निक, लेकिन हड़प्पन पीपल दे वर अवेयर विद द बर्न ब्रिक टेक्निक, एंड दे एस्टैब्लिश दे कंस्ट्रक्टेड हाउसेस फॉर देमसेल्फ, हाउसेस फॉर देमसेल्फ, और इन बर्न ब्रिक्स को जोड़ने के लिए जो इन्होंने यूज किया मोर्टार का, जिप्सम मोर्टार का, इसके साथ क्या हुआ, इनका जो कंस्ट्रक्शन था वो काफी अच्छा बन गया, यस काफी अच्छा बना, और यहीं से दैट वाज द फेंट बिगिनिंग ऑफ द आर्किटेक्चर, यस भैया कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है यहाँ से, पर क्यों, क्योंकि एक अर्बन फेस था, यस इट वाज एन अर्बन फेस, ठीक है ये चीज, इसीलिए कंस्ट्रक्शन की शुरुआत यहाँ से होती है, जैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन करती है, कंस्ट्रक्शन का जो ये फेज जो इमर्ज हुआ था हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आर्किटेक्चर का, ये खत्म हो गया, उसके बाद फिर मॉडर्न पीरियड और पोस्ट मॉडर्न पीरियड से शुरू होता है, ठीक है। नाउ जो अपरेज बिल्डिंग है यानी कि सिटाडेल है, यहाँ पर ढेर सारे हमको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, ग्रीनरीज, पिलर्ड हॉल, कोर्ट यार्ड, ये सब हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, और इन सब के रिमेन्स भी हमको मिले हैं, जस्ट सीन एन एग्जाम्पल, ग्रेट पार्क यहाँ पर हमको मिलता है, ग्रेट पार्क, अब ये ग्रेट पार्क कैसा है भैया, वी ऑल नो दैट कि भैया ये ग्रेट पार्क इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है, और इट्स अ शियर एग्जाम्पल ऑफ द इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कि ये आज भी लीक प्रूफ है, ये आज भी लीक प्रूफ है, यस भैया ये आज भी लीक प्रूफ है, और ऐसे मॉन्यूमेंट हमको इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन तक में नहीं मिले, ये है हमारी इंडिजीनियस सिविलाइजेशन, इंडिजीनियस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बर्न ब्रिक से बनाया गया है पूरा, किससे बनाया गया है ये पूरा का पूरा बर्न ब्रिक से बनाया गया है दोस्तों, है ना, बर्न ब्रिक से ये बनाया गया है पूरा, ओके ये चीज है ना, ये पार्ट, ठीक है, मोहनजोदड़ो में हमको मिलता है द ग्रेट पार्क, कहाँ पर, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो ये सबसे लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट सिटी था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, और इसका इसको कहा जाता है मोहनजोदड़ो, बेसिकली एक सिंधी वर्ड है, मोहनजोदड़ो ये बेसिकली एक सिंधी वर्ड है, और इसका मतलब होता है माउंड ऑफ डेड, क्या होता है इसका मतलब, माउंड ऑफ डेड, ये चीज, ठीक है दोस्तों ये पार्ट, ओके तो भाई दोस्तों ये क्लियर हो रहा है आपको, यस द ग्रीटिंग्स, यस भैया वेरी वेलकम, यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग, यस एक बार फटाफट से हाय कर दीजिए यार, और फटाफट जितने भी लोग देख रहे हैं हाय कर दीजिए, और जितने भी लोग यहाँ पर हैं तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिससे आपके और भी फ्रेंड्स तुरंत की तुरंत जो है यहाँ पर देखना शुरू कर देंगे, है ना, यस वेलकम करण, वेलकम वेलकम, है ना, यस बेटा इट इज वेरी यूजफुल, लेकिन हम इसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर तो सिर्फ अभी हम लोग सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन कर रहे हैं, है ना, यस अब फरहान का ये क्वेश्चन था कि व्हाई वाज द ग्रेट बाथ बिल्ट, ना बेटा ये अभी भी मिस्ट्री है, ठीक है फरहान, यस अभी भी ये मिस्ट्री है, इट इज अ मिस्ट्री इटसेल्फ, ठीक है ये चीज की ये क्यों बनाया गया था, व्हाई इट वाज सो, ठीक है व्हाई इट वाज सो बैड, है ना, वेलकम वेलकम अतितम अति उत्तम कुमार, वेलकम टू द सेशन, तो भैया कुछ लोग बोलते हैं कि ये बेथिंग पर्पस के लिए बनाया गया था, ठीक है कुछ लोग बोलते हैं कि रिचुअल्स के लिए बनाया गया था, और कुछ लोग बोलते हैं कि वाटर स्टोरेज के लिए बनाया गया था, ठीक है वाटर स्टोर करने के लिए बनाया गया था, ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करने के लिए, तो ये मिस्ट्री है अभी तक, क्या है ये मिस्ट्री है कि बनाया क्यों गया, है ना ये चीज, सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअलिस्टिक, है ना ये चीज, यस बेटा आर्किटेक्चर की बात करें तो ये फर्स्ट लेक्चर है, आर्किटेक्चर की बात करें तो ये फर्स्ट लेक्चर है, और फॉर द प्रीलिम्स 2021 अभी जैसे हम लोग आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं,
नेक्स्ट वीक हम लोग पढ़ेंगे पेंटिंग्स के बारे में। यस, लगभग इस मंथ के एंड तक हम जितना भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे, अलॉन्ग विथ द इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के सेशन हम लोग नेक्स्ट वीक से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है उत्तम ये चीज। तो भैया ये अभी भी मिस्ट्री है कि ये किस लिए बनाया गया था, ठीक है। क्यों मिस्ट्री है? क्योंकि जो हमको स्क्रिप्ट मिला है हड़प्पा से, जो हमको स्क्रिप्ट मिला है वो अभी तक हम लोग डेसिफर नहीं कर पाए हैं। क्या नहीं कर पाए हैं? डेसिफर नहीं कर पाए, तो इसीलिए हमको एग्जैक्टली नहीं पता यह क्या था। एग्जैक्टली हमको नहीं पता कि हड़प्पा में था क्या, ठीक है ये चीज। गॉट इट? अब जो लोअर सिटी था, लोअर सिटी में हमको छोटे कमरे भी मिलते हैं, बड़े रूम्स भी मिलते हैं, ठीक है, डबल स्टोरी बिल्डिंग्स भी मिलती हैं, ठीक है ये चीज। और हर घर में हमको एक प्राइवेट वेल मिलता है, वेंटिलेटेड बाथरूम्स हमको मिलते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हमको मिलता है। तो दिस शोज जो टाउन प्लानिंग थी, यस दिस शोज जो टाउन प्लानिंग थी वो इतनी ब्यूटीफुली टाउन्स को प्लान किए गए थे जो आज भी हमको देखने को मिलता। आज भी हमारे जितने भी स्मार्ट सिटीज है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि भैया स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, स्मार्ट कॉलोनीज बनाए जा रहे हैं, जितने भी स्मार्ट सिटीज हैं उन सब में भी हमको वेल परफेक्टेड फीचर्स ये जो थे हड़प्पन टाउन प्लानिंग में, ये हमको आज भी नहीं मिलते हैं। यस आज भी नहीं मिलते जब हम टेक्नोलॉजिकली इतना ज्यादा एडवांस हैं। उसके बाद भी ड्रेन्स जो है, यस आप देख सकते हो अपने घर के बाहर ड्रेन्स जो है अनकवर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रेन्स कवर्ड थे, यहाँ पर ड्रेन्स कवर्ड थे, मैन होल्स प्रोवाइडेड थे, और रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, यस रेगुलर इंटरवल्स पर जो है प्रोवाइडेड मैन होल जो है वो क्लीनिंग के लिए काम भी होते थे, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस पर्पस के लिए। तो भैया हाइजीन कंडीशन बिल्कुल प्रॉपर हाइजीन को ये फॉलो करते थे, ये चीज है ना। दिस शोज द लेवल ऑफ द टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन पीपल। वेल प्लान्ड टाउन्स वर देयर, यस भैया वेल प्लान्ड टाउन्स वर देयर हर चीज के लिए। और जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था पूरी की पूरी हरप्पन सिविलाइजेशन का है ना, ये चीज पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का सबसे जो स्ट्राइकिंग फीचर था दैट वाज द सील्स, यस स्कल्पचर्स में, ठीक है ना। फरहान ने हमसे क्वेश्चन पूछा है द विच रिलीजन द हरप्पन पीपल फॉलोड। भैया फरहान हम आपको यही चीज कहना चाहेंगे कि जो हड़प्पा का रिलीजन है, ठीक है, इसके पीछे आज भी मिस्ट्री है। मैंने अपनी क्लास में बताया था, पुराने लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप उसमें जाके पुराने सेक्शन देख सकते हो। मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि जो हड़प्पन रिलीजन है वो मिस्ट्री है। यस वो मेल गॉड्स को वर्शिप करते थे या फीमेल गॉड्स को वर्शिप करते थे, इसके बारे में हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। हमें एविडेंसेस दोनों के ही मिले हैं, हमको मेल गॉड्स के भी एविडेंसेस मिले हैं और फीमेल गॉड्स के भी एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन फीमेल गॉड्स हमको ज्यादा मिले हैं। तो इसीलिए वी कैन से दैट इट वाज अ मैट्रियार्कल एंड दे यूज्ड टू वर्शिप अर्थ गॉडेस। क्यों? यहाँ पर एक गॉडेस का हमको एक स्कल्पचर मिला है जिसके वोम्ब में से एक पीपल ट्री निकल रहा है, तो यस मदर अर्थ, अदर है ना, यस मदर अर्थ के बारे में यो है जो है ये कुछ डिपिक्ट करता है। तो यस वी कैन से दैट कि वैसा कुछ है, लेकिन स्टिल कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे वी डू नॉट नो एग्जैक्टली अबाउट द रिलीजन। ओके दोस्तों ये चीज गॉट इट? लेकिन जो इनका आर्ट है उससे हम पता लगा सकते हैं। यस भैया ये देखो कितना स्ट्राइकिंग, कितना ब्यूटीफुल सील ये बनाया है। एक जगह सील को क्या बोलते हैं? सील को हम लोग बोलते हैं स्टैम्प। क्या बोलते हैं? स्टैम्प। आज भी हम लोग यूज करते हैं ना, स्टैम्पिंग करते हैं ना किसी चीज के ऊपर। ये पार्ट हमको बहुत सारे शेप्स के, साइजेस के ये सील्स मिले हैं, खासकर की स्क्वायर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, सर्क्यूलर, सिलिंड्रिकल नहीं है। सिलिंड्रिकल सील्स हमको नहीं मिले, वो मेसोपोटामिया में मिलते हैं और सॉफ्ट स्टोन के बनाए गए हैं। यहाँ स्टीयटाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता है जो कि रिवर बेड में मिलता है, वहां से उससे बनाए गए हैं। और तो कितने अच्छे तरीके से बनाए गए। देखो ये डिप्रेशन है, ये चीज डिप्रेशन है ना, ये इम्प्रेस्ड ये एरिया जो है ये देख सकते हो, ये उभरा हुआ एरिया है और ये डिप्रेस्ड एरिया है। यस है ना, इसमें कुछ इंक भर के या कुछ भी भर के इसको एक जो है उस पे लगा दिया जाता था, सील स्टैम्प तरीके से किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इसे लगा दिया जाता था, ठीक है। ये पार्ट, ये चार्ज देखो कितना अच्छा है, ये सील है, ये वन हॉर्न राइनोस है, ये यूनिकॉर्न है, ये दिस इज अ यूनिकॉर्न,
दिस इज यूनिकॉर्न, ठीक है, यस ये मेन रिवर्ड, यस वर्शिप किया जाता था इस एनिमल को, ठीक है। गोल्डन सील, आइवरी कलर के सील, ये सब हमको यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर देखो कुछ लिखा भी हुआ है, ये देख सकते हो आप, ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। दिस इज व्हाट, दिस इज एन इंस्क्रिप्शन ऑल्सो, दिस एक्ट एज ए इंस्क्रिप्शन ऑल्सो, ये कुछ लिखा होगा, यस कुछ रॉयल ऑर्डर होगा, यस कोई रॉयल ऑर्डर होगा, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, बट स्टिल इट इज नॉट नोन, स्टिल इट इज नॉट नोन, ठीक है। यस राइटिंग्स हमको मिल तो गए लेकिन नॉट नोन, स्क्रिप्ट देख तो लिया, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, कैसा है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है बट नॉट नोन, ठीक है। यस अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, स्क्रिप्ट तो है पिक्टोग्राफिक लेकिन डेसिफर नहीं किया गया है। एनिमल्स के इंप्रेशन हमको यहाँ पर मिलते हैं। अब एनिमल्स में भी जो मोटिव्स यूज किए गए, यूनिकॉर्न है, हम्प्ड बुल है, राइनोसेरस है, टाइगर है, एलिफेंट है, बुफेलो है, बिसन है, गोट है ना, ये सब हमको मिल जाते हैं पर काऊ नहीं मिलती है ना, गोट शीप मिल जाते हैं लेकिन काऊ नहीं मिलती, ठीक है। तो यस भैया, जब गोट शीप है तो यस वी कैन से दैट दे यूज द डेयरी प्रोडक्ट्स, दे यूज द डेयरी प्रोडक्ट्स, लेकिन अभी हमको काउ का बीफ नहीं मिला, ये इंपॉर्टेंट है भैया। यस अभी देखो रिसेंटली, रिसेंटली क्या हुआ, एक्सकवेशन किए गए है ना, एक्सकवेशन किए गए बनावली हरियाणा में जो है हिसार के पास में, वहां पर हमको बीफ के एविडेंसेस मिलते हैं, पोक के एविडेंसेस मिलते हैं है ना, ये चीज लिपिड्स के फॉर्म में, प्लस साथ ही साथ में गुजरात में हमको डेयरी प्रोडक्ट्स के एविडेंस मिलते हैं, यस कि वो डेयरी कैटल्स मिल्क ये सारी चीजें यूज करते थे है ना, ये पार्टी एविडेंसेस मिलते हैं, ये भी रीसेंट की तो फाइंडिंग्स है, यस रीसेंट फाइंडिंग्स है ये तो सारे के सारे, ओके ये चीज, ठीक है। तो ये सील्स है, तो सील्स में इवन है ना ये चीज, तो सील्स में क्या है, सील्स में जो है स्वास्तिक डिजाइन, स्वास्तिक डिजाइन तक हमको यहाँ पर मिले हैं। और ये देखो द ग्रेटेस्ट सील, यस ये है पशुपतिनाथ सील, बस हमको यही एक एविडेंस मिला है पशुपतिनाथ सील का, ठीक है। पशुपतिनाथ सील ये लॉर्ड शिवा के जैसे को डिपिक्ट करती है, देखो ये एक हॉर्न पर्सन बैठे हुए हैं, इनके ये हॉर्न है, ठीक है, ये एक डीटी है, ये एक हॉर्न बना हुआ है ना, ये योगिक कुछ पोस्चर में है, इस योगिक पोस्चर में ये कुछ तपो या योगा वगैरह कुछ कर रहे हैं, ये दो डियर है जो कि इनके जो है चेयर के नीचे बैठे हुए हैं है ना, एक राइनो, एक एलिफेंट, एक राइनो है ना, एक टाइगर, ये एलिफेंट है, ये बुफेलो है बेसिकली, सॉरी दिस इज अ बुफेलो, दिस इज अ राइनो है ना, और ये कुछ डिपिक्टेड है ऊपर, ऊपर कुछ लिखा हुआ है ना, यू पर कुछ लिखा हुआ है ना ये चीज। नहीं बेटा फरहान, द स्वास्तिक डजंट प्रूव, पर हमको सिंबल्स मिले हैं, लेकिन हमको स्वास्तिक जैसा एक सिंबल मिला है बट इट डजंट प्रूव, ओके इट डजंट प्रूव, ऑलराइट, ठीक है। ये चीज, तो इंस्क्रिप्शंस बोथ साइड्स पर होते थे, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स पर और एक साइड पर भी इंस्क्रिप्शंस ह्यूमन या फिगर्स ये सब बनते थे यहाँ पर है ना, ये चीज गॉट इट। अब स्कल्पचर आर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली सेकंड, दैट इज द ब्रोंज डांसिंग गर्ल। देखो भैया इसे आर्टिफैक्ट्स बनाना बाय यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जिसे सिरे पर्ड्यू भी कहा जाता है, यस दे वर अवेयर्ड विथ सच टाइप ऑफ टेक्निक, ब्रोंज कास्टिंग पर ये काफी महारत, यस दे वर काफी महारत इन्होंने जो है ये अटेन किया हुआ था यहाँ पर, ऑफ द ब्रोंज कास्टिंग, ठीक है, ब्रोंज कास्टिंग यहाँ पर हमको ये जो डांसिंग इमेज है, यस ये त्रिभगा पोजीशन में है, इसमें त्रिभंग पोजीशन में ये लेडी है, आप ये देख सकते हो तीन वेव में ये लेडी का बॉडी है, प्लस आप परफेक्शन देखो, बैंगल्स पहने हैं है ना, यस नेकलेस है, बाल कैसे बने हुए हैं, यस ऑल द थिंग्स आर देयर, ऑल द थिंग्स यार देयर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये ब्रोंज का बना हुआ है, कैसे बनाते थे ब्रोंज का, यस किस तरीके से ये ब्रोंज के इमेजेस बनाए जाते थे, क्या करते थे, सबसे पहले वैक्स का ये ऐसा एक इमेज बनाया है ना, इसके ऊपर मड लगाया, टेराकोटा लगाया, बेक किया, वैक्स को जो है, वैक्स को जो है मेल्ट करके बाहर निकाल दिया, ओके और फिर उस मोल्ड के अंदर इससे क्या बना, इससे मोल्ड बना, क्या बना, इससे मोल्ड बना, और इस मोल्ड के अंदर जो है मोल्टन ब्रोंज भर दिया, ड्राई जिसको जो है ड्राई आउट किया, और फिर यहां पर जो है यस यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये यह ब्रोंज का इमेज रेडी हो गया, ठीक है। तो ये टेक्निक है, इसे लॉस्ट वेस्ट टेक्निक या सिरे पर्ड्यू टेक्निक ये कहा जाता है,
क्या कहा जाता है इसे, लॉस्ट वैक्स टेक्निक और द सिरे पर्ड्यू टेक्निक। इससे जो है ये ब्रोंज की इमेजेस बनाए जाते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो ढेर सारे टेराकोटा फिगर्स भी हैं, है ना। ये एक मास्क है, ये क्या है, इट इज अ मास्क, है ना। ये हॉर्न डीटी है ना, एक सींग था इसका, इनका जो कि टूट गया, दूसरा सींग ये रहा, है ना। और ये है मदर गॉडेस, शी इज द मदर गॉडेस, ठीक है, शी इज द मदर गॉडेस, है ना। ये चीज क्लियर है ना। तो ये चीज, तो ये टेराकोटा फिगर्स भी हमको यहाँ पर मिले हैं, फ्रॉम द मोहन जोद्रो, फ्रॉम द कैलिबेंगन, फ्रॉम लोथाल, फ्रॉम सुरकोटडा, सुरकोटडा से हमको हॉर्स के बोन्स भी मिले हैं, है ना। तो इस तरीके से, तो ये सफायर बेक्ड क्ले टेराकोटा को कहा जाता है, फायर बेक्ड क्ले, यस, मींस बेकिंग टेक्निक उनको पता थी, क्ले से ये चीजें बनाई, उनको फायर बेक किया, दे बिकम टेराकोटा। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती है, स्कल्पचर्स बनाने में इनका यूज किया जाता था, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है मदर गॉडेस और ये एक हॉर्न डीटी, यस। एंड द थर्ड वन इज द पॉटरी। भैया देखो, हमको पता है हरियाणा में दे ऑल लेड टू द सेटल्ड एग्रीकल्चर, यस, दे सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट दीस वर पीपल। क्या थे भैया, सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। यहाँ पर अब एग्रीकल्चरिस्ट थे तो फूड ग्रेन्स भी होंगे, तो फूड ग्रेन्स होंगे तो स्टोर कहाँ में करेंगे, पॉट्स में। दे यूज द रेड एंड ब्लैक पॉटरी। रेड एंड ब्लैक पॉटरी का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने जूम कर दिया इसे, है ना। ये देखो, ये पीछे आप रेड कलर देख रहे हो और ऊपर से उसके बाद यहाँ पर ब्लैक में डिजाइन है। क्या है यहाँ पर, ब्लैक में डिजाइन है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है रेड, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है रेड एंड ब्लैक पॉटरी। क्या कहा जाता है, रेड एंड ब्लैक पॉटरी, गॉट इट। ये चीज समझ गए आप, है ना। बर्ड्स, एनिमल्स, फिगर्स, ये सारी चीजें, फिगर्स यहाँ पर बना दिए जाते हैं। देखो देखो कितना अच्छा, ये देखो, ये यहाँ पर देखो, देखो ये फिश बना है, ये रेड कलर का है, टेराकोटा का बना हुआ है। और देखो ये एक डियर है, जस्ट ये ग्रेस कर रहा है। देखो ये डियर दिखा आपको, इट इज ग्रेजिंग, ये फिश है, देखो ये फिश यहाँ पर बना दी है ना, ये फिश यहाँ पर बना दी, ठीक है, ये फिश यहाँ पर बना दी है। पॉटरी जो है हमको तीन टाइप की मिलती है, एक प्लेन पॉटरी मिलती है, एक मिनिएचर वेसल मिलता है, और दूसरा हमको परफोरेटेड वेसल्स मिलते हैं, है ना। प्लेन पॉटरी हाउस होल्ड पर्पज के लिए, मिनिएचर वेसल्स डेकोरेटिव पर्पज के लिए, और परफोरेटेड वेसल्स, और सब की सब व्हील मेड है। यस भैया, जो पॉटर्स व्हील आता है ना, यस, पॉटर्स व्हील, है ना, पॉटर्स व्हील, उसी के बेस पर ऑर्नामेंट्स आर ऑल्सो देयर। यस भैया, ऑर्नामेंट्स, प्रेशियस मेटल्स, जेम स्टोन्स, बोन्स, क्लेस, ये सब कुछ। मेन और वीमेन दोनों को ही शौक था, मेन एंड वीमेन दोनों को ही शौक था इन ऑर्नामेंट्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन ऑर्नामेंट्स ऑर्नामेंट्स, ये देखिए, ये कुछ ब्रेसलेट जैसा है ना, ये कुछ ब्रेसलेट जैसा है, ये देखिए, ये जो है बैंगल्स, ओके, ये नेकलेस हो गया, बीट से बने हैं सब, देखो बीट से, कार्नेलियन, इनसे बने हैं ये, है ना, लैपिस लजूली, है ना, ये सब, ये प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, इन सब से बने हुए हैं, ठीक है। ये देखो बैंगल्स हैं, है ना, ये कुछ माला जैसी है, ये है ना, कुछ माला, नेकलेस जैसी कुछ माला है इसमें बनाया गया है, ये ब्रेसलेट जैसा कुछ हो गया, इयर रिंग्स हो गए, ये कुछ, है ना, ये चीज। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से हमको ये इवन मेन एंड वीमेन इन सबको मिले। और यहाँ पर देखो सबसे बड़ा एविडेंस क्या है, इन ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए स्पेशली फैक्ट्रीज हमको मिले हैं। कैसे फैक्ट्रीज हमको मिले हैं, यहाँ पर देखो, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट, ये आर्ट फॉर्म है यार, इट इज एन आर्ट फॉर्म, ये कितने ज्यादा एडवांस स्टेज में था, एडवांस्ड स्टेज में था ये। यहाँ पर हमको फैक्ट्रीज चन्हुदरो और लोथल, लोथल जो है ये गुजरात में है, चन्हुदरो जो है ये जस्ट मोहन जोदड़ो के अपोजिट है, जैसे ये रिवर इंडस है, ये मोहन जोदड़ो है, तो ये चन्हुदरो है, ठीक है। यस, ये अगर मोहन जोदड़ो है रिवर के किनारे पर, तो ये जो है चन्हुदरो है, ओके। ये चीज चन्हुदरो भी जो है, ये भी एक सिंधी वर्ड है, ये भी एक सिंधी वर्ड है। हमको इतने अच्छे तरीके से स्कल्पचर मेकिंग मिलेगी आपको, ये देखो, ये मेल टॉर्सो है, ठीक है, यस, मेल का एक टॉर्सो है ये, है ना, यस, हेडलेस, हेडलेस हो सकता है, ये हेड हो, इसमें टूट गया हो, आर्म्स हो, ये टूट गए हो यहाँ पर, है ना। और ये देखो, ये एक बियर्ड डीटी है,
ना, यस, ये बियर्ड पर्सन है ना, दाढ़ी वाला आदमी है ना, बियर्ड पर्सन है, दाढ़ी वाला आदमी। यहाँ से हमको जो है इनकी क्लॉथिंग के बारे में मालूम पड़ता है, देखो कि किस तरह की क्लॉथिंग ये लोग पहनते थे। देखो क्या होता है, जब हम लोग कोई भी आर्ट फॉर्म बनाते हैं है ना, हम जिसे कल्चर बोलते हैं ना, बेसिकली कल्चर जो होता है ना, कल्चर ये रिफ्लेक्शन होता है माइंड का, ये रिफ्लेक्शन होता है माइंड का। ठीक है, यस, हम जो भी आर्ट परफॉर्म करते हैं या हमारा जो भी कल्चर है, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ माइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, संस्कृति इसे कहा जाता है ना हिंदी में, कल्चर को क्या बोलते हैं हिंदी में, संस्कृति है ना, कृति मीन्स क्रिएट करना, अच्छा क्रिएट करना, तो दैट इज संस्कृति, अच्छी चीज है ना। विकृति, ये भी इसी से बना है, बुरा चीज, बुरी चीज, विकृति, विकृत माइंड का आदमी है वो, है ना, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, ये चीज है, तो ये पार्ट गॉट इट। कल्चर जो है ये माइंड का रिफ्लेक्शन है। तो भैया यस, फैशन चलता था तो ये देखो ये रिफ्लेक्शन आ गया, टेराकोटा फिगर्स बन गए है ना विद द टाइम। हेयर स्टाइल देखो है ना, बियर्ड, दाढ़ी भी रखते थे है ना, हेयर एंड बियर्ड डिफरेंट स्टाइल्स ये रखते थे, तो ये हमको यहाँ से मालूम पड़ जाता है ना। फैब्रिक्स थे उनके पास, यस, कॉटन एंड वूल फैब्रिक्स हमको मिले हैं है ना, इस तरीके का कुछ, ये शॉल टाइप का, देखो आप ये देख रहे हो, एम्ब्रॉयडर्ड शॉल, शॉल जैसा कुछ ये पहने हुए हैं है ना, यस, एक ही शोल्डर के ऊपर से ही आ रहा है ना ये चीज। तो ये जो है रिफ्लेक्शन है, ये किसका रिफ्लेक्शन है, कि उस टाइम पर आदमी क्या सोचता था, उसने ये कल्चर को, उसने इस आर्ट फॉर्म को जो है इवॉल्व किया, वहां पर बनाया, और उससे हमको उस टाइप का सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, हर चीज के बारे में हमको मालूम पड़ता है, हर चीज के बारे में हमको पता चलता है ये चीज। ठीक है, तो ये था हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में। हड़प्पन आर्किटेक्चर जो है इस पॉइंट पर जाके ये एंड होता है, और यहां से जैसे जैसे हड़प्पन एज डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, हड़प्पन एज क्या होता है, जैसे जैसे डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, ये सारे के सारे फीचर्स खत्म हो जाते हैं। क्योंकि तो हमने क्या जाना था, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो ऋग वेदिक आर्यंस थे, कौन थे भैया, ऋग वेदिक पीपल जो थे, दे वर नोमैड्स, दे वर पैस्टोरल नोमैड्स है ना। तो भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसी थी, IVC कैसी थी, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, अब जब अर्बन थी तो भैया नोमैड्स का क्या काम, इसका मतलब ये था कि भैया जब ये लोग आए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में रिसाइड किए, तब तक ये जो IVC का काम था ये खत्म हो चुका था। यस, जो मेच्योर फेज था ना वो एंड हो चुका था दोस्तों, वो खत्म हो चुका था। ठीक है, ये चीज गॉट इट। यस भैया, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो यार, है ना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी। ओके, फरहान सिंह, वेलकम सिंह है ना, अति उत्तम भैया, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, करण। ओके गाइस, तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मौर्यन आर्किटेक्चर के बारे में, इस चीज के बारे में, मौर्यन आर्किटेक्चर के बारे में, ऋग वेदिक पीपल एंड लेटर वेदिक पीपल, फिर उसके बाद पोस्ट वेदिक पीरियड आता है। पोस्ट वेदिक पीरियड जो है वो 600 BC के बाद शुरू होता है, और हमने पोस्ट वेदिक पीरियड में पढ़ा था महाजनपद्स है ना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना महाजनपद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज द पोस्ट वेदिक पीरियड। पोस्ट वेदिक पीरियड में इमर्ज होती है द ग्रेट एम्पायर्स, सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज शुरू होता है। लेकिन जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज, जिस है ना, जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज जो है वो जिस मेच्योरिटी तक पहुंच गया था आर्किटेक्चर की स्टाइल तक, वो यहां पर नहीं पहुंच पाया। इट रीच्ड बट आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। ठीक है, यस, और यहां पर मॉडर्न आर्किटेक्चर सबसे प्रोमिनेंट आती है हमको, ऋग वेदिक पीपल। यस भैया, ऐसा तो नहीं था कि ये लोग शेल्टर में नहीं रहते हो, उन्होंने घर नहीं बनाया हो, ऋग वेदिक पीपल है या लेटर वेदिक पीपल है ना, यस, इन लोगों के घर तो होंगे ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं होगा कि ये लोग घर में भी रहते थे है ना ये चीज। ये हमने ये भी जाना था कि लेटर वेदिक पीपल ने जो है एग्रीकल्चर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था है ना ये चीज, ये एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे, फिर इन्होंने सीडेंट्री लाइफ लीड करना शुरू कर दिया था। जब तो सीडेंट्री लाइफ लीड कर रहे हैं तो पॉट्स भी होंगे है ना, पॉटरी भी होंगी, घर भी बने होंगे है ना, यानी कि हाउसेस भी होंगे। तो ये जो चीजें थी, यस, खास करके हाउसेस,
हमको नहीं मिले, ज्यादा एविडेंसेस हमको मिले ही नहीं है, है ना, ज्यादा एविडेंसेस हमको मिले ही नहीं है। तो क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि ये पेरिशेबल मटेरियल यूज करते थे। क्या करते थे? पेरिशेबल मटेरियल को यूज किया जाता था यहाँ पर, ओके। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे एडवांसमेंट होता चला गया, मौर्यन एम्पायर जैसे ही स्टैब्लिश हुई, तो धीरे धीरे जो है स्टोन का यूज होना शुरू हो गया। और यही स्टोन आर्टिफैक्ट्स जब हमको मिले और हमने स्टडी किया, तब हमने मॉडर्न आर्किटेक्चर नाम का एक टॉपिक स्टैब्लिश किया, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री को हमने रिकंस्ट्रक्ट किया, ओके ना। जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, इसमें हमको इन्फ्लुएंस किसका मिलता है? हेलेनिटिक, हेलेनिक आर्ट का। ये ग्रीक आर्ट है, ग्रीक्स का आर्ट है, ठीक है, पर्शियन ईरान वाला, है ना, ये चीज इसका हमको मिलता है। क्यों? एलेक्जेंडर इंडिया में आया था। कब आया था? 326 BC में इंडिया में आया। उसके साथ में ढेर सारे जो है उस रीजन के ये स्कॉलर्स भी आए, यस आर्टिस्ट भी आए, है ना, यस कंस्ट्रक्टर मैसन्स भी आए, कंस्ट्रक्टर्स भी आए, और वो आके इंडिया में सेटल हुए। इंडिया में सेटल हुए, इंडियन आर्ट आर्ट के साथ उनका इंटरमिंगलिंग होता है और एक नया आर्किटेक्चर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, इसमें हमको ग्रीक या हेलेनिक इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है। पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है, स्पेशली इन द पिलर एडिक्ट्स, स्पेशली इन द पिलर एडिक्ट्स, जो अशोक के पिलर एडिक्ट्स हैं, है ना। अशोक ने मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स ये बनाए ना, है ना, यस बनाए ना, पिलर बनाए ना, बिल्कुल। तो वो बेसिकली एक पर्शियन स्टाइल, ठीक है, इस तरीके से पिलर को रेस करना, ठीक है, उस पर कोई इंस्क्रिप्शन लिखना, तो दैट इज अ पर्शियन स्टाइल, ठीक है। ये चीज मॉडर्न आर्ट जो है वो अशोक, किंग अशोक के टाइम पर अपने जेनिथ पर पहुंचती है, ठीक है, ये चीज, गॉट इट, ये पार्ट ना। अब यहाँ पर अर्बन आर्ट फिर से शुरुआत हुई। मैंने क्या कहा था आपको? इंडस वैली जो आर्ट थी, दैट वाज एन अर्बन आर्ट। यहाँ पर भी मॉडर्न आर्किटेक्चर में अर्बन आर्ट शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गई? क्योंकि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल था, जो वुडन मीडियम से चेंज हुआ स्टोन मीडियम में चला गया, है ना, ट्रांसफॉर्म हो गया। पहले वुड से, वुड वॉज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग द आर्टिफैक्ट्स, लेकिन अब वो स्टोन में कन्वर्ट हो, स्टोन में कन्वर्ट हो गया। क्यों भैया? पहले वुड क्यों करते थे भैया? आयरन एक्स का यूज करना शुरू किया, है ना, आयरन एक्स का यूज करना शुरू किया, तो इससे जो है वुड को जो है इजिली वो काव आउट कर सकते थे। लेकिन धीरे 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 जब टेक्निक स्टोन की बारी आई, यस एज अ मीडियम स्टोन को उन्होंने यूज करना शुरू किया, और यहां से आर्ट का एक नया शेप आना शुरू हुआ। स्पेशली जो डेवलपमेंट शुरू होता है मॉडर्न आर्ट में, वो शुरू होता है केव्स का, स्कल्पचर्स का, ठीक है, स्कल्पचर्स का, ठीक है, ये चीज, ये यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, और जो अपने कल्मिनेशन पर पहुंचती है पोस्ट मॉरियन पीरियड के टाइम पर, पोस्ट मॉरियन पीरियड के टाइम पर मॉरियन आर्ट को दो पार्ट में इसी के बेस पर डिवाइड किया गया, ठीक है, यस। एक तो कोट आर्ट, जिसको कोट ने पैटर्नाइज किया, यानी कि जितने भी किंग्स थे, इन्होंने इनको जो है इवॉल्व कराया, इन्होंने इनको जो है पैट्रोनाइज किया। पैट्रोनाइज मीन्स अपने देख रेख में जो है इनको डेवलप कराया, जैसे पैलेसेस का बनना, पिलर्स, सुबास, ठीक है, ये चीज, गॉट इट। और जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव थे, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन के, उसमें केव्स, पॉटरी और स्कल्पचर्स। स्कल्पचर आर्ट जो है ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, जैसा मैंने कहा आपको, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में अपने जेनिथ पर जाकर के पहुंच गई। कहां पर पहुंच गई? अपने जेनिथ पर पहुंच गई, गॉट इट, क्लियर है। केव्स, यस दे वर यूज्ड एज द विहार्स मॉन्क्स के लिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन के लिए हो, मॉन्क्स के लिए, ये चीज। पॉटरी क्यों करते थे पॉटरी का उपयोग? जस्ट टू स्टोर, यस स्टोरेज पर्पस के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट थे, है ना। स्तूपा ये रिलीजन से रिलेटेड है, इससे बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये चीज। पहले से किंग को खुद रहना है, ये पार्ट कोट आर्ट में है। सबसे पहले आता है पैलेसेस। हमको कुछ भी नहीं मिलता है पैलेसेस का यार, पर हमको इतना पता है कि जितने भी पैलेसेस थे ना, जितने भी पैलेसेस थे, वेल डेकोरेटेड, वेल डेकोरेटेड, हाईली ऑर्नामेंटेड, है ना, हाईली ऑर्नामेंटेड। हमको जो है एक ये पिलर का एक छोटा सा हिस्सा
करके जगह है, कौन सी? कुमराहर, है ना, ये पटना के पास में है यार, है ना, ये मौर्यन एम्पायर में जो है इनका पैरिस का एक छोटा सा पार्ट है। जितने भी ग्रीक स्कॉलर्स इंडिया के अंदर आते हैं वो अपनी बुक्स में मेंशन करते हैं कि मौर्यंस का जो रॉयल पैलेस है, जो मौर्यंस का जो रॉयल पैलेस है वो एक 3 मंजिला इमारत है ना, क्या है भैया? 3 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा ग्रैंड्योर मैनर में बनी हुई है, वेल डेकोरेटेड है, वेल ऑर्नामेंटेड है, लेकिन वो वुड की बनी हुई है। यार देखो भाइयों, मौर्यंस कब थे यार? मौर्यंस थे लगभग लगभग 323 BC में, है ना, ये वुड का बना हुआ है, पेरिशेबल आइटम है। अभी कितने साल हो गए? अभी लगभग 2500 साल हो गए, लगभग लगभग, है ना, 2400 साल होते हैं बेसिकली, ठीक है भैया, वुड है यार, पेरिश तो करेगी करेगी। साथ ही साथ में उस रीजन में रहने वाले जितने भी लोग थे, भाई खंडर पड़ा हुआ था, गए लकड़ी को तोड़ा, सूखी लकड़ी थी, चला रही है सर्दियों में, है ना, कितनी ठंड पड़ रही है यार नॉर्थ इंडिया में, है ना, बाप रे बाप। ओके, ये चीज, ये पार्ट समझ गए? ये हमको रेमनेंट्स मिलते हैं यहाँ पर, क्या है रेमनेंट यानी कि अवशेष। ये देखो ये पिलर बना हुआ है, ये पिलर इस तरीके से देखो, ये पिलर के हैं, है ना, ये पार्ट समझ गए, है ना, ये चीज कुमराहर में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमको मिलता है। क्या मिलता है? बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर मिलता है कि हाँ था, बिल्कुल था, 3 स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर था ये, है ना, काफी ज्यादा डेकोरेटेड स्कल्पचर्ड, है ना, ये पार्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं अभी भी, पिलर आर्ट जो है ये बेसिकली पर्शियन इन्फ्लुएंस, क्या है? पर्शियन इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये अशोक के टाइम पर सबसे ज्यादा पिलर्स इरेक्ट किए गए पूरी की पूरी एम्पायर में। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पिलर्स का, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि ये सारे के सारे पिलर्स मोनोलिथ थे। मोनोलिथिक यानी कि एक ही स्टोन के बने हुए थे दोस्तों, एक ही स्टोन के, सिंगल स्टोन का बना हुआ था। और क्यों बनाए गए थे? बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को डेसिमिनेट करने के लिए, जितने भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको डेसिमिनेट करने के लिए। किस लैंग्वेज में लिखे गए? पाली और प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए। कुछ कुछ पिलर्स हमको ग्रीक लैंग्वेज में भी मिल जाते हैं, कुछ कुछ पिलर्स हमको ग्रीक लैंग्वेज में भी लिखे हुए मिल जाते हैं। देखो ये रहा पिलर, पिलर के 4 हिस्से हैं यार दोस्तों, क्या है? 4 हिस्से। सबसे पहले तो ये शाफ्ट है, इसे बोलते हैं शाफ्ट, जो कि एक ही स्टोन की बनी हुई है, और ये पूरा होता है कैपिटल, ये है कैपिटल, ठीक है। इस कैपिटल में ये है अबैकस, इतना पार्ट है अबैकस, और ये है फिगर, दिस इज अ फिगर, ठीक है, ये चीज क्लियर है, गॉट इट ना, दिस इज अ फिगर, ओके, ये चीज। या अब आते हैं स्तूपास। स्तूप बरियल माउंड्स हैं ये बेसिकली, क्या है? बरियल माउंड्स, ठीक है। वैदिक पीरियड से कहा जाता है कि स्तूप को देख करके ही जो है ऐसे ही डोम्स, टॉम्स और डोम्स ये सब बनाना शुरू किए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे डोम बनी है, डोम से क्या होता है कि डोम बनी है तो डोम थोड़ा सा बड़ा दिखती है, विशालकाय दिखती है ना, यस, ह्यूज दिखती है, नॉर्मल स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, या कुछ बड़ा है, सॉलिडरिटी दिखती है, ये चीज। ओके, यहाँ पर स्तूप्स ये बनाए गए, स्तूप्स बनाए गए अशोका के टाइम पर। जो स्तूप आर्किटेक्चर है ये अपने जेनिथ पर पहुंचता है, तो उसके बाद भी इवॉल्व होते हैं, उसके बाद भी टाइम ऑफ द शुंगास, कनवास और जितने भी और रूलर्स हैं उनके टाइम पे भी स्तूपास बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जितने ज्यादा स्तूप अशोक के टाइम पर बनाए जाते हैं उतने कभी नहीं बनाए जाते। 84,000, ओहो बाप रे बाप, इतने स्तूप, इतने सारे, है ना, यस, ये स्तूप का जो है ये जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे ये डोम जैसा आप देख रहे हो, है ना, डोम जैसा, इसको अंडा बोलते हैं। इस अंडा के ऊपर अब हमें पूरे स्तूप को स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म जिसको बोला जाता है वेदिका, ठीक है, यस, एक प्लेटफॉर्म जिसे कहा जाता है वेदिका, एक थोड़ा सा हाइटेड पार्ट, एक थोड़ा सा हाइटेड पार्ट जिसे कहा जाता है मेढ़ी, क्या कहा जाता है इसे? मेढ़ी, ठीक है, यस, मेढ़ी एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर एक मेड़ सरीखी उठी होती है, ठीक है, इसे कहते हैं मेढ़ी। ओके, अब स्तूप में घुसने के लिए गेटवेज है, दरवाजे हैं, है ना, इन्हें कहते हैं तोरण, क्या कहते हैं इन्हें? तोरण, ठीक
ठीक है, गेटवे, दीज आर द गेट्स। गेट में गए, एक पैसेज आएगा, पैसेज में चलेंगे ना तो उसको बोला जाता है प्रदक्षिणा पथ। उस पैसेज को कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ, ये पैसेज का नाम है। ठीक है, पैसेज के अंदर से जाके हम लोग गए, ओके, तो एक प्रेयर हॉल बन गया। ओके, ना इस हॉल के ठीक सेंटर में, इस हॉल के ठीक सेंटर में ये एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, ये एक मेढ़ी है, मेढ़ी के अंदर एक ये छोटा सा बॉक्स है, इस बॉक्स को कहते हैं हर्मिका, और इस हर्मिका में है रिलिक्स ऑफ द बुद्धास, यस, रिलिक ऑफ बुद्धा। ठीक है, इस रिलिक्स के ऊपर बनी है एक छतरी, ओके, एक छतरी। ठीक है, ये डोम जैसा शेप है, इसे कहा जाता है अंडा, ये है टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये पार्ट, गॉट इट, क्लियर? एक्सक्यूज मी गाइस, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? ठीक है, नाउ केव आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी, ये पॉपुलर आर्ट में आते हैं, ये तो सब अभी तक स्टेट आर्ट थे, अब आते हैं पॉपुलर आर्ट, ये इंडिविजुअल्स ने कैरी किए मॉडर्न एम्पायर में। केव आर्किटेक्चर, भैया कोई भी सेंट है, कोई भी मॉन्क है, उसके लिए घर दे दिया, एक केव थी, ओके, उसको डेकोरेट कर दिया, जैसे ये देखो ये पहाड़ है, एक पहाड़ था, मान लो ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ये कोई पहाड़ है, इस पहाड़ में एक केव बनी, ठीक है, अब इस केव को डेकोरेट कर दिया, यस, इस गेटवे को, तो केव हो गई, अंदर अंदर जाके मॉन्क्स रिसाइड कर सकते हैं, रह सकते हैं, केव आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है। आप देखो अजंता एलोरा में जाकर के, है ना, देखते हो ना, अजंता और एलोरा क्या है, केव आर्किटेक्चर ही तो है क्या ये, व्हाट इज दिस, इट इज केव आर्किटेक्चर। इस हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन भी जो हमको खारवेल का हमको वहां पर उदयगिरी में मिलता है, तो वो भी तो केव्स हैं, वो ये भीमबेटका देख लो तो ये भी केव्स हैं। ठीक है, एंड धार डिस्ट्रिक्ट में रंग महल है ना, ये चीज बाघ केव्स, वो भी केव्स है ना, केव्स आर्किटेक्चर। अब केव्स को ब्यूटीफाई करना शुरू कर दिया, नए घर नहीं बनाए, उन्हीं केव्स को जहां पर मॉन्क्स पहले रिसाइड करते थे, उनमें भैया एक दरवाजा लगा दिया है ना, जैसे देखो यहाँ पर है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको जूम करके, है ना, ये देखो ये दरवाजा लगा दिया है ना, जाली, ये खिड़की है बेसिकली, ये जाली लगा दी खिड़की के ऊपर, ओके, ये और इसको सुंदर डेकोरेट कर दिया यहाँ पर, है ना, टेराकोटा से या कोई डिजाइन दे दिया, जिससे लगे कि हाँ ओके, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, इट बहुत थोड़ा सुंदर है, ड्वेलिंग प्लेस है ना, एक जगह देखा जाए तो लिविंग क्वार्टर्स है, जहाँ पर जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, इन रॉक कट केव्स में, इसमें रॉक कट केव्स में। अब इन रॉक कट केव्स के ऊपर पेंटिंग्स, वॉल के ऊपर हमको पेंटिंग्स भी मिलती है ना, इनको मुरल पेंटिंग्स कहा जाता है, क्या बोलते हैं, मुरल पेंटिंग्स इनको कहा जाता है, तो ये यहाँ पर इमर्ज हुई, भाई इंसान है, टीवी तो था नहीं, अंदर जाके करेगा क्या, है ना, तो यस चलो कोई बात नहीं, खाली बैठा है तो खाली बैठे बैठे क्या करे, तो कुछ पेंटिंग ही शुरू कर दी, पेंटिंग भी क्या करेगा, जो उसके थॉट होंगे, जो उसके माइंड में होगा, जो उसके माइंड में होगा, ये चीज क्लियर है, पार्ट ना, ये सबसे पहले जितने भी केव्स बने थे ये सब आजीविका सेट के लिए पहले बनाए गए थे, आजीविकास, ठीक है, फिर बाद में जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन केव्स में बना दिए गए। मॉरियंस के टाइम पर ये जो केव्स थे ये हाईली पॉलिश्ड बने, फिनिश्ड एंड डेकोरेटेड गेटवेज इनमें जोड़े गए, गेटवेज, ये देखो ये दरवाजा बना हुआ है, देखो यहाँ पर ये दरवाजा सा बना हुआ है, ये पहाड़ है, इस पहाड़ में ये केव बनी हुई है, ठीक है, ये चीज, तो गेटवेज यहाँ पर जोड़े गए इनको, ओके, यहाँ पर क्लियर है, यस माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलते रहा करो यार, कोई कोई डाउट हो तो पूछते रहा करो, है ना, यस, ठीक है, ये चीज पूछते रहो अगर डाउट है कोई भी, ठीक है, ये पार्ट क्लियर है आपको, यस माय डियर फ्रेंड्स, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो भाई अब आता है स्कल्पचर आर्ट, ये देखो मूर्तियां बनी, हालांकि स्कल्पचर आर्ट इतना ज्यादा फेमस नहीं था, लेकिन फिर भी जो स्टैच्यूज बनना शुरू हुए, जो स्कल्पचर, जो इमेजेस बनना शुरू हुए, सबसे पहले रिलीजियस एक्सप्रेशन यहाँ पर मिला, जैसे यक्ष और यक्षी, यक्षीस, है ना, यक्ष और यक्षीस, इनके जो है स्कल्पचर सबसे पहले मॉडर्न पीरियड में बनाए गए। हालांकि जैनिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म तीनों ऑब्जेक्ट्स को वर्शिप बराबर का किया जाता था, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो स्टेट रिलीजन नहीं था,
जो स्टेट था दैट वाज सेक्युलर स्टेट, यस इट वाज अ सेक्युलर स्टेट। चाणक्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में यही लिखा है कि इफ अ स्टेट हैज टू बी सक्सेसफुल तो उसको सेक्युलर होना चाहिए। किसी भी रिलीजन को पर्सनल रिलीजन की तरह फॉलो कर सकते हो लेकिन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं बनाओ। मॉडर्न के टाइम पीरियड में पॉटरीज भी जो है वो काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो है काफी ज्यादा लग्जोरियस पॉटरीज बनना शुरू हो गई। देखो कितने प्यारे प्यारे पॉट्स बनाए हैं, ये देखो दीज आर द पॉट्स, ब्लैक पॉलिश्ड। आपको ये देखो कितना शाइन दिख रहा है, इट इज अ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, इसके ऊपर व्हाइट से कैसे इसमें नक्काशी की गई है ना, ये चीज कैसे इसमें कार्विंग्स किए गए हैं, लस्टरस ब्लैक, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन पॉटरीज को कहा जाता है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में यही चीजें और ज्यादा रिफाइन हो गई। बेसिकली जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है वो 200 BC से लेकर के 300 AD तक, यानी कि जस्ट गुप्ता के इमर्जेंस से पहले तक डिफाइन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ढेर सारे सोशल ग्रुप्स इमर्ज हो गए, प्लस इन्वेडर्स आना शुरू हो गए। ग्रीक्स आते हैं, वो अपने साथ में एक नया आर्ट फॉर्म लेकर के आते हैं। ग्रीक्स आते हैं, बुद्धिज्म, यस बुद्धिज्म जो कि सेंट्रल एशिया में स्प्रेड आउट हुआ था, सेंट्रल एशिया में स्प्रेड आउट हुआ था। यहाँ पर मोस्टली जितने भी ग्रीक्स आते हैं दे फॉलो द बुद्धिज्म, दे फॉलो द बुद्धिज्म। इस पूरे पार्ट में, इस पूरे फेज में एक आर्ट स्कूल ऑफ इमर्जेंस होता है जिसमें नॉन पेरिशेबल मटेरियल को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, यानी कि स्टोन को। और पोस्ट मॉडर्न पीरियड आर्किटेक्चर में जो आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा फ्लरिश करता है दैट वॉज द स्कल्पचर आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स बनना शुरू होते हैं। पोस्ट मॉडर्न पीरियड इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एरा ऑफ स्कल्पचर आर्किटेक्चर। ठीक है, ये चीज यहां पर दो, अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, यहां पर रॉक कट केव्स, स्तूप्स, पिलर्स और स्कल्पचर आर्ट, ये तीनों मिलते हैं। अगर हम पिलर की बात करें तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट पिलर है गरुड़ पिलर। यस, गरुड़ पिलर कहाँ है ये? ये है बेस नगर में। अब ये बेस नगर कहाँ है? ज्यादा दूर नहीं है, ये विदिशा, नाम तो सुना ही होगा आपने, मध्य प्रदेश में है विदिशा, है ना, भोपाल के पास में। विदिशा को ही बेस नगर कहा जाता है। ये जो गरुड़ पिलर है, ये जो गरुड़ पिलर है ना, ये हीलियोडोरस ने बनाया था। हीलियोडोरस है ना, राजा कौन था उस टाइम पर? राजा था वासुदेव कन्व। ठीक है, राजा था वासुदेव कन्व उसी के टाइम पर। तो दिस शोज कि भैया जब ग्रीक्स इंडिया के अंदर आए, हीलियोडोरस वाज अ ग्रीक, जब वो इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने गरुड़ को फॉलो किया। गरुड़, गरुड़ कौन है? यस, हु वाज द गरुड़? गरुड़ जो है इट वाज अ व्हीकल, इट वॉज अ व्हीकल ऑफ लॉर्ड विष्णु, है कि नहीं है? भगवान विष्णु का ये सवारी है ना गरुड़। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या मालूम पड़ता है कि वैष्णविज्म, वैष्णविज्म की शुरुआत हो गई, है ना, इसके पेट्रॉन्स मिलना शुरू हो गए, रिलीजन में चेंजेस आना शुरू हो गए। भैया रिलीजन में चेंजेस आना शुरू हो गए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में चेंजेस आना शुरू हो गए, रॉक कट केव, स्तूपा, स्कल्पचर आर्ट, पिलर्स, ये सब फ्लरिश होना शुरू हो गए। सबसे पहले है रॉक कट केव्स। अभी तक क्या था रॉक कट केव्स? विहार की तरह यूज होते थे। किसके लिए? विहार यानी कि रेसिडेंशियल प्लेस। किसकी तरीके से? रेसिडेंशियल प्लेस फॉर मॉन्क्स, है ना ये चीज। लेकिन अब चैत्य भी शुरू, क्या है चैत्य? व्हाट आर दी चैत्य? चैत आर प्रेयर हॉल। क्या है चैत्य? दीज आर द प्रेयर हॉल्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल। ठीक है, यस, एक तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से ये एक रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल है। यहां पर है मेन डीटी, ये बनी हुई है मेन डीटी, और ये है पैसेज बना हुआ। इस तरीके से यहां पर एक पैसेज ये बना दिया गया। ठीक है, ये है एंट्री पॉइंट, आप आइए यहां पर बैठिए, यहां पर आप बैठते जाइए। ठीक है, और प्रे करते जाइए। आपको उठ के जाना है, उठिए, इस पैसेज से आप बाहर निकल सकते हो। ये पैसेज इस तरीके से, ये चैत्य बने हैं। क्या बने हैं? चैत्य। इन्हें कहा जाता है प्रेयर हॉल। ये चीज चैत्य जो है कार्ले,
महाराष्ट्र में है, कार्ले केव्स। यस, कार्ले केव्स में चैत्य हॉल जो बने वो काफी फेमस है। यस भैया, वो काफी फेमस है, देखो इस तरीके से है ना। यस, ये देखो ये एक पिलर है, यहाँ पर ये पिलर लगा हुआ है, ये छत है। और ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग, दिस इज अ रॉक, दिस इज अ बेसिकली अ हिल, इट इज बेसिकली अ हिल। ये गुफा है एक, ये क्या है, ये गुफा है, इसे केव है ये। और इस केव को अंदर से डेकोरेट किया गया है, इस केव को अंदर से डेकोरेट किया गया है सर, अंदर से डेकोरेट किया गया है, पिलर कैसे बना दिया बेटा? देखो ये पिलर जो है ना, ये पिलर बाहर से लाके फिट नहीं किया गया, ये जो पिलर आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो पिलर है ना, ये जो पिलर आप देख रहे हो, जो मैंने रंग दिया है ना, कलर कर दिया लाल से, ये जो पिलर है ना, ये बाहर से लाके फिट नहीं किया गया, वहीं का रॉक था, उसी को कार्व आउट कर दिया गया है ना, वो उसी रॉक का पार्ट था, उसे कार्व आउट कर दिया गया, ये चीज ठीक है, ये पार्ट समझ गए, है ना। रूफ फ्लैट रहेगी, क्यों, यहाँ देख लो भैया, ये तो फ्लैट रूफ रखनी ही पड़ेगी, डोम शेप तो आ ही नहीं सकता ना यहाँ पर, डोम शेप तो आ ही नहीं सकता, कैसे भी नहीं आ सकता है ना, बिल्कुल ओपन कोर्ट यार्ड है, स्टोन फ्रेम्स हैं, वॉल्स हैं, है ना, ये चीज बारिश से बचने के लिए भी है। कार्ले चैत्य हॉल्स ये काफी फेमस है, बाकी देखा जाए तो हमको एक चैत्य हॉल्स मिलते हैं उदयगिरी, उदयगिरी में भी मिलते हैं, खंडगिरी में भी मिलते हैं, उड़ीसा में है दोनों चीजें, है ना। रानी गुफा, रानी गुफा केव उदयगिरी में काफी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टोरीड है, यस, दो माले की गुफा है ये, दो माले की गुफा, ठीक है ये चीज। तो दिस वॉज द रॉक कट आर्किटेक्चर। अब हम बात करते हैं स्तूप की, ठीक है, स्तूप का सबसे इंपॉर्टेंट है तोरण, बाकी तो किसी चीज में नहीं कर सकते थे डेकोरेशन, पर तोरण को जलाना चालू कर दिया, तो स्कल्पचर इमेजेस बनना शुरू हुए, तो ऐसे ये यक्ष, यक्षिणी, हाथी, घोड़े, ये सब जोड़ दिए गए है ना ये चीज। और ये सब शुरू हुआ शुंग डायनेस्टी के टाइम, कब शुरू हुआ ये, शुंग डायनेस्टी के टाइम पर ये सारी चीजें शुरू हुई, ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है। यस भैया, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का, यस है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, यस यू कैन आस्क फ्रॉम मी इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट माय डियर फ्रेंड्स। यस दोस्तों, नहीं है, शैल बी मूव अहेड, चलो। स्कल्पचर आर्ट, गोल्डन आर्ट, यस भैया ये है गोल्डन आर्ट। यहां पर इस टाइम पर तीन ये आर्ट फॉर्म इमर्ज होते हैं, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और अमरावती स्कूल, ठीक है ये चीज। नाउ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट क्यों कहा जाता है इसे, क्यों, इसीलिए क्योंकि गांधार में ये जो आर्ट फॉर्म है ये ज्यादा स्प्रेड हुआ गांधार में। गांधार कहाँ है, ये अफगानिस्तान में है, कहाँ पर है ये, अफगानिस्तान में है, इमर्ज हुआ वहीं पर, उसी रीजन में स्प्रेड आउट हुआ, इंडिया में आया। मथुरा में, मथुरा, मथुरा कहाँ है, यूपी में है ना। और अमरावती ये कहाँ है, ये है आंध्र प्रदेश में, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है समझ गए, क्लियर है ये पार्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। हाँ देखो कितना प्यारे स्कल्पचर्स बने हैं ये, है ना, ये बुद्धा की इमेज है, ये बुद्धा का स्कल्पचर है, फेस है उसका, जस्ट सी द हेयर स्टाइल, वेवी हेयर्स है देखो, है ना, ये कर्ली और वेवी हेयर्स है, और इसका एक तरीके से देखा जाए तो ये देखो दूढ़ा बनाया हुआ, ठीक है, जस्ट सी दिस, दिस स्कल्पचर एक कॉमन मैन का है ना, जस्ट ये देखो कितने एकदम पिक्युलर फीचर के साथ, यस ये देखो पिक्युलरली इसका फोरहेड किस तरीके से डिफाइन है, ये है ना आईब्रोस कितने अच्छे तरीके से ये डिफाइन किए गए, ये देखो अलग अलग तीन अलग अलग एकदम तरीके से ये दिख रहा है फेस, है ना एकदम जैसे त्योरी ऐसी देखते हैं ना अपन अपने यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये दिस इज द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो कि इमर्ज हुआ गांधार रीजन में, गांधार रीजन में, ठीक है ये चीज। पहले फेज में, दो फेज में डिवाइड किया गया, पहले फेज में यहाँ पर ग्रे ब्लू शिस्ट स्टोन का यूज किया गया, ये मेटामॉर्फिक रॉक है ना, फिर बाद में स्टुको का यूज किया जाने लगा, लाइम, प्लास्टर, ये चीज गांधार रीजन में डेवलप हुआ। मेन जो सेंटर्स थे दैट वाज तक्षशिला, भीमरन, जलालाबाद है ना, शक और कुशांत इसके मेन पैटर्न्स थे। ये देखो कितना प्यारा बुद्धा का इमेज है, ये बुद्धा जो है जो कि पोस्टर में है बिल्कुल ध्यान मग्न है, ठीक है ध्यान मग्न में, और ये देखो इतने अच्छे तरीके से ड्रैपरी दिख रही है आपको, ट्रांसपेरेंट ड्रैपरी है ना, और मस्कुलर फिगर्स देखने को मिल रहे हैं, विद अ ग्राइट, विद अ स्मॉल स्माइल ऑन द फेस ऑफ बुद्धा। ये देखो कितना एक स्मॉल स्माइल है बुद्धा के फेस पर यहाँ पर, है ना, आई एम रियली सॉरी, मुझे वो इस तरीके से मैंने उस पर बना दिया, स्माइल इज देयर,
है ना, अ ग्रेट स्माइल इज देयर, है ना, कितना अच्छा दिख रहा है, तो कितने कर्ली हेयर्स हैं और इसका ऊपर से ये जूड़ा सा बनाया हुआ है, एंड हैलो इज ऑल्सो देयर, अ हैलो इज ऑल्सो देयर, ये बेसिकली रोमन आर्ट है, इस ग्रीको आर्ट है जो है उससे ये इन्फ्लुएंस है, वहां के जो गॉड है रोम के वो अपोलो है ना, इस उनके फेस से मिलते जुलते यहाँ पर भी बुद्धा के फेस बनाए गए। ओहो बुद्धा, सो क्या हुआ यहाँ पर, पहला जो पर्सन था जिसका इमेजेस बना, दैट वाज बुद्ध, दैट वाज बुद्ध, ठीक है, यस, गांधा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में, ठीक है, यस, स्पिरिचुअल बुद्धा इमेजेस ये कार्व आउट किए गए, ठीक है, बियर्ड विद मुस्टैच विद वेवी हेयर लॉन्ग हेयर बोधिसत्वास के काफी ज्यादा पोजीशन ये बनाए गए, एंड गांधा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो किया, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को उसने फॉलो किया, ठीक है, ये चीज क्यों क्यों भैया महायान फॉर्म को फॉलो किया, क्योंकि ये बड़ा व्हील है, इट इज अ ग्रेटर व्हील, ठीक है, ये पार्ट, और जो हीनयानिस थे वो आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, अगेंस्ट में थे, मैंने बताया था ना, यस, यहाँ पर पहली बार स्टार्विंग बुद्धा का इमेज कार्व आउट किया गया, स्टार्विंग बुद्धा, बूढ़े बुद्धा, है ना, यस भैया, भूखे बुद्धा यहाँ पर, ठीक है, इन द गांधार स्टाइल। गांधार स्टाइल जब इमर्ज हुई उसके ठीक कुछ समय के बाद में मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इमर्ज हुआ। देखो कैसे हुआ, पहले गांधार रीजन, यहाँ पर ही आर्किटेक्चर इमर्ज हुआ, जब शख्स और कुछान आए तो अपने साथ में इस स्टाइल को और इंडिया के अंदर लेकर के आ गए, मथुरा इट वाज द कैपिटल, मथुरा इट वाज द कैपिटल ऑफ द कुशांस, ठीक है, कुशांस का ये कैपिटल सिटी था, यहाँ पर ये आर्ट इमर्ज हुई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो यूज किया गया, दैट वाज द रेड सैंड स्टोन, रेड सैंड स्टोन को यहाँ पर यूज किया गया जस्ट टू मेक द आइडॉल्स, जस्ट टू मेक दी आइडॉल्स, ठीक है, ये चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में सिर्फ बुद्धिज्म को जो है पैटर्नाइज किया गया, यहाँ पर बुद्धिज्म के साथ साथ हिंदुइज्म एंड जैनिज्म को भी पैटर्नाइज किया गया, लेकिन जितने भी इमेजेस बने यहाँ पर अभी भी गॉड्स के इमेजेस नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर भी अभी भी सारे सेक्युलर इमेजेस ही बने हैं, सेक्युलर इमेजेस ही बने हैं, और कनिष्क के टाइम पर बने हैं, कनिष्क के टाइम पर बने हैं विद अ रेड कलर्ड सैंडस्टोन से, है ना, ब्लैक क्ले टेराकोटास, ब्लैक क्ले टेराकोटास, यहाँ पर ये देखो इमेजेस में जो चेंज आए, स्ट्राइकिंग फीचर्स जो थे वो सिंबोलिज्म के थे, बुद्धा जो है ये हेलो और ज्यादा बड़ा हो गया और ऑर्नामेंटेड हो गया, और ज्यादा बड़ा हो गया, ऑर्नामेंटेड हो गया, शिव है ना, ये शिव इज शोन थ्रू द लिंग और मुखलिंग, ठीक है, हिंदू गॉड्स ये बनना शुरू हो गए, यहाँ पर हिंदुइज्म में जो आइडॉल्स हैं ये अब बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो इमेजेस में जो डोमिनेंस है, प्रीडोमिनेंस है, वो आज भी बुद्धा की ही, इस टाइम पर बुद्धा की ही है, ठीक है, ये चीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तब यहाँ पर डीटीज शुरू हो जाते हैं बनना, उनके आइडॉल्स बनना शुरू हो जाते हैं, पद्म पानी बोधिसत्वा है, पद्म पानी होल्डिंग अ लोटस और वज्र पानी होल्डिंग अ थंडर बोल्ट, ये यहाँ पर देख सकते हो, होल्डिंग अ लोटस होल्डिंग अ थंडर बोल्ट, और ये देखो बुद्धा, ये बुद्धा बैठे हुए हैं, ये बुद्धा बैठे हुए हैं सिटिंग उस पोस्चर में, है ना, यस, स्पिरिचुअल पोजिशन में, डेलीगेटेड स्टेट है, गुड मॉर्निंग अमृत, है ना, ये चीज स्पिरिचुअल पोजिशन में नहीं है, हेड शेवन है, हेड शेवन है, ड्रेस टाइट पहने हैं, और यस ये देखो ये मसल, ये यहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और ये अपनी पावर को दिखा रहे हैं, देखो मसल पावर को दिखा रहे हैं इस तरीके से, ये बैठे हुए हैं, ये है ना, ये चीज, ये पोजीशन है। फिर हमको ये सब जैन मॉन्ग्स भी मिलते हैं, ये दीज जैन मॉन्ग्स, है ना, सर्वतो भद्रिका इमेजेस हैं ये जैन मॉन्ग्स, है ना, इस स्टैंडिंग बैक टू बैक इस पोजिशन में ये है, और ये है हमारा हेडलेस स्टैच्यू ऑफ द किंग कनिष्क, ठीक है, ये हमको यहाँ पर मिलता है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में मार्बल का यूज किया गया, व्हाइट मार्बल का, डायनेमिक इमेजेस बनाई गई, नरेटिव आर्ट है, यानी कि स्टोरी टेलिंग, नरेशन का मतलब क्या होता है, नरेटिव आर्ट का मतलब क्या होता है, इस नरेटिव आर्ट का मतलब होता है स्टोरी टेलिंग, ठीक है, यस सॉरी भाई, स्टोरी टेलिंग, नरेशन किया जा रहा है ना, यस, कोई भी इमेज बनाई गई है इस तरीके से बनाई गई है कि वो एक स्टोरी, कहानी बता रही है, कहानी बता रही है। तो जैसे ये देखो
यहाँ पर एक हमको एक स्कल्पचर मिला है, इसमें 5 इमेजेस हैं बुद्धा की, 5 इमेजेस हैं बुद्धा की त्रिभंग स्टाइल में, त्रिभंग यानी कि 3 बेंड्स है बॉडी में, 3 बेंड्स है बॉडी में, एंड दे आर सेइंग समथिंग, यस कुछ स्टोरी है ये बता रहे हैं, सुना रहे हैं। अमरावती कृष्णा नदी के किनारे पर छोटा सा एक प्लेस है इन द आंध्र प्रदेश रीजन, है ना। यस भैया, यहाँ पर इस आर्ट को पेटनाइज करने वाले थे सतवाहन। कौन थे इस आर्ट को पेटनाइज करने वाले? सतवाहन, सतवाहन रूलर्स। गॉट इट, क्लियर है। तो ये है अमरावती आर्ट। अब हम लोग आते हैं गुप्ता स्टाइल ऑफ आर्ट, किस पर आते हैं? गुप्ता स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पर, ठीक है। गुप्तास के टाइम पर, गुप्तास के टाइम पर जो आर्किटेक्चर में शुरुआत होती है, ये गोल्डन एज है यार। क्या है भाई? इट इज अ गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, गुप्ता एज, ठीक है। यस, देखो आइडॉल्स, पहले हमने क्या बताया था आपको? ह्यूमन बीइंग, है ना, ह्यूमन बीइंग ने अपने लिए घर बनाया, किसके लिए? कैसे? केव्स के फॉर्मेट में। फिर उसने बर्न्ड ब्रिक यूज करना शुरू करी, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग के पास अच्छा खासा घर बन गया है, अब उसने आइडॉल्स बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। अब इन आइडॉल्स को वर्शिप करना शुरू किया गया, अब ये भगवान है, ये गॉड है। अब गॉड बिना घर के कैसे रहेंगे? तो इन्होंने टेम्पल बनाना चालू कर दिए, ठीक है। तो यहां से गुप्ता आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है, टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है, ठीक है। ये चीज, फर्स्ट आर्किटेक्ट्स देवर द ऑफ द टेम्पल्स द गुप्तास, ठीक है। यस, रॉक कट श्राइन्स इन्होंने भी बनाना शुरू किए। गुप्ता आर्किटेक्चर जो है ये एकदम डाइवर्स है, एकदम डाइवर्स है अपने स्टाइल में, डिजाइन में, फीचर्स में, ठीक है। ये चीज, गॉट इट, क्लियर है। जो प्रिंसिपल डीटीज यहाँ पर, गुप्तास ने इंटॉलरेंस ये दिखाई है ना, ये सॉरी नॉट इंटॉलरेंस, दे शो द टॉलरेंस गुप्तास के टाइम पर, बिल्कुल। गुप्तास आर्किटेक्चर भी फ्लरिश किया, जैन आर्किटेक्चर भी फ्लरिश किया, और टेम्पल आर्किटेक्चर भी फ्लरिश किया। अगर हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रिनिटी, यस ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ट्रिनिटी है ना, यानी कि विष्णु और शिव, ये प्रिंसिपल डीटीज थे। और शक्ति, शक्ति यानी कि द गॉडेस दुर्गा, गॉडेस दुर्गा, उसको जो है वर्शिप करना शुरू किया और उसी के इमेजेस, उसी के आइडॉल्स बनाना शुरू किए, ठीक है। अब एक एक करके हम यहाँ पर, एक एक करके हम यहाँ पर जो है देखते हैं, एक मिनट गाइस, ठीक है। एक एक करके हम लोग यहाँ पर जो है देखते हैं कि क्या क्या गुप्तास के टाइम पे आर्किटेक्चर में इंप्रूवमेंट होते हैं। सबसे पहले जो पुराना आर्किटेक्चर था, दैट इज द केव आर्किटेक्चर, ठीक है। केव आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर आता है पेंटिंग्स का, यस पेंटिंग्स का, ठीक है। पेंटिंग्स यहाँ पर बनना शुरू हुई, मुरल पेंटिंग्स कहा जाता है। मुरल पेंटिंग्स उन्हें बोलते हैं जो वॉल पर करी जाए, उन्हें मुरल पेंटिंग्स कहा जाता है। ये पेंटिंग एक यूनिक स्टाइल में थी, इसको फ्रेस्को स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। फ्रेस्को क्या होती है? फ्रेस्को स्टाइल है ना, बेसिकली फ्रेस्को जो है ना, ये इटालियन स्टाइल है, सॉरी सॉरी, ठीक है। बेसिकली ये एक इटालियन स्टाइल है। क्या होती है ये स्टाइल? देखो जैसे वॉल है, ठीक है, वॉल पर हमने प्लास्टर किया, क्या किया हमने? वॉल पर प्लास्टर किया, तो जब ये प्लास्टर गीला है, उसी के टाइम पर जब वेट है, प्लास्टर जो है ये वेट है, तभी उसी के टाइम पर हमने यहाँ पर पेंटिंग बना दी और उसमें कलर भर दिया, ठीक है। उसमें कलर भर दिया यानी कि जो वेट लाइम प्लास्टर है उस पर हमने पेंटिंग की, उसमें कलर भर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं द फ्रेस्को स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ पेंटिंग्स। क्यों ऐसा क्यों किया हमने? ताकि उसकी जो शाइन है वो बनी रहे, उसकी जो शाइन है वो बनी रहे। जैसे आपने अजंता में देखी होगी पेंटिंग्स, एलोरा में देखी होगी, बाग केव्स है, उदयगिरी केव्स। ये उदयगिरी केव्स जो है ना, वो उड़ीसा वाले उदयगिरी केव्स नहीं है, ये जो उदयगिरी केव्स है ना, ये उदयगिरी केव्स जो है ये हमको मिलते हैं मध्य प्रदेश विदिशा के पास में, नासिक केव्स, नासिक में पांडव लेनी केव्स करके हैं वो, जूनागढ़ केव्स है ना, यस जूनागढ़ केव्स, ये गुजरात में। ये सब गुप्ता टाइम पीरियड पर बनाए गए हैं, और यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स हमको मिलती हैं, ऑल दीज पेंटिंग्स आर फ्रेस्को इन स्टाइल, अजंता पेंटिंग्स।
सबसे फेमस है यार, यूनेस्को हेरिटेज साइट है ये। फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक यहाँ पर यूज होती है। कुल मिला के 29 केव्स हैं ये, 25 जिसमें से बिहार से और 4 चैत्य हॉल है ना। 4 चैत्य हॉल एक दिन में नहीं बने, इसको बनने में लग गए 850 साल, 850 ईयर्स भाई। अलग 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 किंग्स ने इनको पैटर्नाइज किया। किसी ने हिंदू केव्स बनाए, किसी ने बुद्धिस्ट केव्स बनाए, किसी ने जैन केव्स बनाए। ये चीज ठीक है। वकटका किंग्स, खास करके वकटका किंग्स हरिसेन, ये प्रोमिनेंट थे यहाँ। ये देखो ये है पेंटिंग्स, मैं आपको दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये है पेंटिंग, देखो किस तरीके से कलरफुल यूज किया गया। बेसिकली इन पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया क्या जा रहा है, दिखाया क्या जा रहा है इन पेंटिंग्स में? इन पेंटिंग्स में जातक स्टोरीज को बताया जा रहा है। जातक स्टोरीज, नाउ क्या है जातक स्टोरीज, व्हाट आर दीज जातक स्टोरीज? ये बुद्धा की लाइफ को, इसको डिपिक्ट करती हैं बुद्धा की लाइफ को। यस, बुद्धास लाइफ, ये उसको डिपिक्ट कर रही है ना ये चीज। दिस पेंटिंग सी कैन से दैट थीम उसी के अराउंड है, थीम उसी के अराउंड है। ठीक है, ये पार्ट है ना, यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो ये एक बुद्धा है, महापरिनिर्वाण पोजीशन में है ना, केव नंबर 26 में, महापरिनिर्वाण। ये बुद्धा सो गए, लेट गए है ना ये चीज। और ये ढेर सारे जो उनके शिष्य हैं वो देखो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके नीचे है ना। यस, और यहाँ पर बुद्धा जो है उन्होंने निर्वाण ले लिया, वो सो गए, समाधि ले ली उन्होंने। ये देखो ये नाग, नागा किंग जो है ये हमको अजंता में मिलता है देखने को। ठीक है, इन केव्स का रेफरेंस फायान एंड हुइनसांग भी देते हैं अपने उसमें। अब हम बात करते हैं एलोरा केव्स की। अजंता के पास में ही है, महाराष्ट्र में है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये देखो ये है कैलाश नाथ टेम्पल, दिस इज द कैलाश नाथ टेम्पल। ये पूरा एक टेम्पल बना हुआ है ना ये चीज। विदर्भ कर्नाटका इस रीजन में 17 ब्राह्मणिकल केव्स हैं, 12 बुद्धिस्ट और 5 जैन केव्स हैं ये चीज। ओके, यहाँ पर जो कैलाश नाथ टेम्पल है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये मोनोलिथिक टेम्पल, मोनोलिथिक टेम्पल है ये ना, एक ही स्टोन के कार्व आउट करके बना हुआ है। फिर आती है बाघ केव्स, बाघ केव्स ये देख सकते हो आप। वाकई फ्रेस्को स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इसमें। रंग महल सबसे प्रोमिनेंट है, रंग महल सबसे प्रोमिनेंट है। ये मध्य प्रदेश में बनी हुई है, धार डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये गुप्ता टाइम पर बनाई गई और इनको गुप्ताज ने ही पैट्रोनेज किया इनको है ना। गुप्ताज के टाइम पे इन बाघ केव्स को बनाया। अब जूनागढ़ केव्स, ये अपर कोट है ठीक है, अपर कोट इसको कहा जाता है। क्या है इसका यूनिक फीचर कि भैया 30 से 50 फीट का ऊंचा एक किला है ना, किला है प्रेयर हॉल के सामने, छत जैसा कुछ बनाया हुआ, इसे अपर कोट बोलते हैं है ना। जमीन के अंदर है वो केव और उसके ऊपर हमने एक किला बना दिया है, किला बना दिया ऊपर जो है। यस, कुछ एक जैसा लिखे कि वो एक स्ट्रक्चर है पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसे अपर कोट कहा जाता है। ठीक है, अपर कोट कहा जाता है। फिर है उदयगिरी केव, ये विदिशा में है। ठीक है, ये देखो ये वराह अवतार आपको देखने को मिलेगा। यस, वराह अवतार है लॉर्ड विष्णु का है ना ये चीज। और ये ढेर सारे देवी देवता जो है स्कल्पचर्स ये बने हुए हैं। आप देखो इसका एक यूनिक फीचर आप देख सकते हो, ये है वॉल और ये है रूफ, ये है रूफ और ये है वॉल। ठीक है, जितने भी स्कल्पचर्स बनाए गए वॉल के ऊपर वो रूफ को टच करते हुए बनाए जा रहे हैं, ऐसे रूफ को टच करते हुए बनाए जा रहे हैं ये चीज। गॉट इट? तो ये है, दिस इज द इम्पोर्टेंस, यहाँ पर ये डेवलपमेंट हुआ। ये है नासिक केव्स, पांडव लेनी केव्स है ना, पांडव लेनी केव्स, ये भी 1st सेंचुरी AD को बिलोंग करते हैं। इसे देखा जाए तो पांडव लेनी ऐसा कहा जाता है कि ये जो है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को काफी ज्यादा डिपेंड अच्छे से करता है ये पार्ट। ये स्तूपास है, धमक स्तूपा, ये सारनाथ के पास है जो कि गुप्ता एज में ये डेवलप हुआ, फाइन एग्जाम्पल है। ठीक है, स्कल्पचर्स, ये बुद्धा की मेटल की इमेज है, इसकी इमेज है मेटल की। ठीक है, ये मेटल इमेज है, सारनाथ से हमको ये मिलती है। एक नया स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कल्चर ये इमर्ज हो जाता है इस टाइम पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज है गुप्तास का, और वो है टेंपल आर्किटेक्चर। यस भैया, यहाँ पे जो टेंपल आर्किटेक्चर इमर्ज होती है वो होती है नगर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, नगर स्टाइल। ठीक
ठीक है, यस, नगर स्टाइल और द नॉर्थ इंडियन स्टाइल, है ना। अभी हमारा राम मंदिर जो बन रहा है ना, यस, अपने नेशन में, इंडिया में, अयोध्या में, है ना, वो नगर स्टाइल पे ही जो है ये राम मंदिर को बनाया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, एक टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ना, सैंक्टम जो है ये इमर्ज होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ये इमर्ज हुआ है, पहले एक सिंपल सा हॉल है, घर है, मतलब सिंपल सा हॉल टाइप बनाया है, या देख सकते हो आप, है ना, यहाँ पर अधिकांश गया मेरा मार्ग, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आप। ये देखो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, हाँ ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, ये छोटा हाइटेड है ना, ये एक छोटे प्लेटफॉर्म के ऊपर है, वन स्टेप चढ़ के हम लोग इधर गए और ये हॉल बना हुआ है। यहाँ पर डीटी का इमेज आ गया और ये पिलर्स देख सकते हो आप, ये पोस्ट है और ये लिंटेल ऊपर डला हुआ है एक तरीके से, है ना। ये चीज, ये जो आप खुला आंगन देख रहे हो, इसे पोर्टिको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पोर्टिको कहा जाता है, ठीक है, यस, पोर्टिको, है ना। टेम्पल का फ्लैट रूफ है, स्क्वायर है शेप में टेम्पल, पोर्टिको इज देयर, ये जो पार्ट है ना इसको पोर्टिको बोलते हैं। ये है पोस्ट, जो पिलर आप देख रहे हो ना, इस पिलर को कहा जाता है पोस्ट, ठीक है, पोस्ट कहा जाता है, ठीक है, ये चीज। फिर सेकंड स्टेज में क्या हुआ, सॉरी, फिर सेकंड स्टेज में क्या हुआ, थोड़ा सा टेंपल को हाइटेड बना दिया, ये देखो, ये स्टेप्स बना दिए ज्यादा, आप देख सकते हो, मैं बताता हूं आपको, ये देखो, ये स्टेप्स ज्यादा बना दिए, स्टेप्स ज्यादा बना दिए, खुला सा एक खुला कोर्टयार्ड बना दिया गया, एक ये डीटी का इमेज है। अब ये पोर्टिको जो है, यस, ये जो पोर्टिको बनाया ना इसके ऊपर का, ये अनकवर्ड है, ये क्या है, अनकवर्ड है। अब इसके क्यों बनाया गया, ये ताकि यहाँ परिक्रमा लगाई जा सके, ये भी पार्ट परिक्रमा वाला हो गया, ये जो रीजन देख रहे हो, और ये भी हो गया परिक्रमा वाला, है ना, दोनों ही परिक्रमा वाले हो गए, है ना। इसमें क्या किया गया, मैंने क्या बताया आपको सेकेंड स्टेज में, कि जो प्लेटफॉर्म है उसको थोड़ा सा रेज कर दिया, दो स्टोरी टेम्पल के हो गए कभी कभी, और एक एम्बुलेटरी पैसेज वे जिसे हम लोग प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ, जो कि अराउंड है सैंक्टम सैंक्टोरम के, यानी कि गर्भगृह के, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है इसको, जो है ये बनाया गया, यूजुअली अनकवर्ड है ना, यूजुअली अनकवर्ड है। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, थर्ड स्टेज में शिखर आ गया, ये देखो, ये है शिखर, दिस इज अ शिखर, ठीक है, ये शिखर आ, ठीक है, शिखर आ, दूसरा पंच यत्न स्टाइल ये आ गई। शिखर कैसा है? कर्वी लीनियर, ठीक है, पंच यत्न स्टाइल आ। पंच यत्न स्टाइल क्या होता है कि टेम्पल में एक मेन डीटी तो है, लेकिन अब उसके साथ साथ चार सब्सिडरी श्राइन्स और हैं, यानी कि चार और भगवान है, एक तो है, चार और डीटी आ गए, ठीक है। रूफ अभी भी फ्लैट है, रूफ अभी भी फ्लैट है, इस तरीके से ये रूफ है, ये फ्लैट है, इसके ऊपर जो है ये कर्वी लीनियर, ये कर्वी लीनियर जो है ये लो, इस तरीके से ये बन गया, ये है गर्भगृह, ये है विमान शिखर इसे कहा जाता है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, ये कर्वी लीनियर शिखर, अरे गाइस, है ना, कर्वी लीनियर शेप में, है ना, ये चीज। एलोंगेटेड मंडप अब बनना शुरू हो गया यहाँ पर, इसके आगे, ठीक, ये मंडप ये आ गया, है ना, रेक्टेंगुलर शेप का टेम्पल है। उसके अलावा फोर्थ स्टेज में क्या हुआ, फोर्थ स्टेज में श्राइन्स जो है थोड़ी सी ज्यादा रेक्टेंगुलर हो गए, और फिफ्थ स्टेज में जो है शैलो सर्कुलर टेम्पल्स बनना शुरू हो गए, सर्क्यूलर टेम्पल्स ये बनना शुरू हो गए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं, यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के जो है हम लोग मंदिर में पहुंचे, और ये सर्कुलर टेम्पल बन गया, सर्कल टेम्पल, और ये कुछ इसके ऊपर हट जैसा ये डल गया, ठीक है। ये पांच फेजेस में जो है टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व होते हैं, और इसी के बेस पर जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो पूरा डिवाइड किया गया है वेरियस टाइप में। नगर स्टाइल ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल होती है, द्रविड़ियन स्टाइल ये साउथ इंडियन स्टाइल है, और इन्हीं दोनों से निकले हैं नायक स्टाइल, वेसरा स्टाइल, होयसला स्टाइल, विजयनगर स्टाइल,
पाला एंड सेना स्टाइल, ठीक है, इन्हीं दोनों स्टाइल से इमर्ज हुए हैं ये चीजें। इन सब में कॉमन फीचर्स, कॉमन फीचर्स क्या है, एक वर्म हाउस यानी कि एक गर्भगृह जहां पर मेन डीटी रिसाइड करती है, ठीक है, गर्भगृह यानी कि एक जो है जो मेन डीटी है वो रिसाइड कर रही है, वो रह रही है। फिर उसके आगे टेम्पल के आगे एक एंट्रेंस गेट है जिसे मंडप कहा जाता है, जनरली वो एक पोर्टिको या फिर एक हॉल होता है, जनरली वो एक पोर्टिको। पोर्टिको क्या हुआ, एक पोर्टिको ये पास्ट ये है, ठीक है, ये चीज ये पोर्टिको जैसा हो गया ये चीज, ठीक है, ये पोर्टिको ऐसा नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, पोर्टिको मतलब ये कुछ ऐसा है ना, ये पोर्टिको, या तो पोर्टिको है ये ऐसा, या फिर जो है, या फिर वो एक बड़ा सा हॉल है, या फिर एक बड़ा सा हॉल है। फिर उसके बाद में शिखर और उस पर्टिकुलर डीटी का वाहन, शिखर यानी कि जो उसका ऊपर का जो छत है वो, और जो वाहन है डीटी का, जो वाहन है डीटी का, राइट। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे द नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है दोस्तों, नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये देखते हैं। तो दोस्तों भाई कोई डाउट हो तो अभी तक का तो मुझे बता दो, है ना, तो अपन वो डिस्कस कर लेंगे, और फिर नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। जस्ट जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट एंड, है ना, ये चीज तो कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े, है ना, ये बात फटाफट से। कम ऑन गाइस, अभी बहुत लंबा राह में जाना है हमको, लगभग लगभग हमको 50 मिनट्स और लगेंगे, इसमें अभी हमको मुस्लिम आर्किटेक्चर भी कंप्लीट करना है ना, बाकी मॉडर्न आर्किटेक्चर में इतना कुछ है भी नहीं, है ना, ये चीज जो भी सबसे मेन पार्ट है ना वो यही टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट है, इसीलिए मैं स्टार्ट करने से पहले अब आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ। यस कम ऑन गाइस, यस भाई, कोई डाउट नहीं किसी को, यस कोई डाउट, एनी डाउट नहीं है, चलो भाई अपन कैरी ऑन करते हैं, है ना, ये चीज। तो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ना, अब ये टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ना, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये लगभग लगभग 5th सेंचुरी AD से शुरू होता है, 5th सेंचुरी AD यानी कि 400 AD के अराउंड, 400 AD के अराउंड में जो राजा थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, ठीक है। तो इनके टाइम पर जो नॉर्थ इंडियन पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर शुरू होता है, दैट इज द नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज द नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, ये चीज। और जितने भी टेम्पल्स यहाँ पर बने हैं, जितने भी टेम्पल्स अब जो बनेंगे, उन सब का सबसे प्रोमिनेंट फीचर है पंचयत्न स्टाइल। मैंने क्या कहा था आपको, पंचयत्न स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग में, कि यहाँ पर 5 DPs होते हैं, ठीक है, 5 देवी देवता, है ना, एक मंडप है, एक प्रेयर हॉल है प्रिंसिपल श्राइन के ठीक सामने, यहाँ पर देख सकते हो, ये है प्लेटफॉर्म, इससे हम लोग चढ़ के ऊपर गए, है ना, ये है पोर्टिको, है ना, इसे कहा जाता है अर्ध मंडप, सॉरी, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अर्ध मंडप, ठीक है, ये आधा मंडप, और हम थोड़ा और आगे गए तो फिर से हमको मिला मंडप। मंडप एक वो प्लेस होती है जहां पर बैठ करके हम भगवान की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा ना, मेन डीटी के सामने खुला स्पेस होता है, उसे मंडप कहा जाता है ना, मंडप कह लो या फिर इसे जगमोहन बोल लो, है ना, अगर हम उड़ीसा में जा रहे हैं तो कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में जगमोहन बोल लो। फिर जैसे हम मंडप से आगे बढ़ेंगे, हमारा मेन डीटी आ गया, ये अब देखो लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा का जो है ये एक श्राइन बना हुआ है, ठीक है, ये है गर्भगृह, क्या है ये है गर्भगृह। अब गर्भगृह का एक गेटवे है, वो गेटवे ऑर्नामेंटेड है, डेकोरेटेड है, इस गेटवे के ऊपर, यस, इस गर्भगृह के ऊपर ये देखो एक कर्वीलिनियर शेप में, कर्वीलिनियर शेप में एक आया है, इसको बोलते हैं शिखर और विमान, शिखर और विमान, ठीक है। अब इसके ऊपर एक ये कुछ सर्कुलर जैसा कुछ है, उसको अमलक कहा जाता है, और ऊपर रखा गया है कलश। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है अमलक, अमलक जो है धर्मिका जैसा कुछ है, अगर आपने स्तूप पे ध्यान दिया हो तो, स्तूपास पे ध्यान दिया गया हो तो, स्तूपास है क्या, दीज वर द अर्ली टेम्पल्स,
What were the stupas? Stupas were the early temples, but dedicated to the Lord Buddha. Dedicated to the Lord Buddha. ठीक है, और यही चीज यहां पर भी अडॉप्ट की गई, बट स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ. थोड़ा सा वो स्क्वायर शेप में था, डोम शेप में था, ये इलांगेटेड शेप में हो. ठीक है, पंचयत्न स्टाइल को फेमस जो है फॉलो किया गया. गर्भगृह के बाद में जो इमेजेस हैं, जैसे गॉडेस यमुना गंगा ये सब रखी जाती थी. नगर स्टाइल में वाटर टैंक नहीं मिलेगा हमको, टेम्पल कोर्टयार्ड में या टेम्पल में हमको वाटर टैंक्स नहीं मिलेंगे टेम्पल प्रमाइज में. ठीक है, और टेम्पल जो है वो रेस प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं विद अ पोर्टिको विच हैज अ पिलर्ड अप्रोच. पोर्टिको, ये पिलर देखो, ये पिलर्ड अप्रोच है ना, ये चीज पिलरिंग. शिखर भी हमको यहाँ पर रेखा प्रसाद, फमसना और वलभी ये टाइप के मिलते हैं. रेखा प्रसाद टेक कर्वीलिनियस, कर्वीलिनियस रेखा प्रसाद, रेखा ड्यूल भी बोलते हैं, ड्यूल यानी कि टेम्पल को कहा जाता है, रेखा लैटिना. ठीक है, फमसा यहाँ पर क्या है कि ब्रॉडर बेस है, ब्रॉडर बेस है और स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन में जाता है ऊपर. कैसे, ये ब्रॉडर बेस है और स्लोप जो है ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. कर्वीलिनियर कैसा होता है, कर्वीलिनियर कैसा होता है, कर्वीलिनियर यानी कि लाइक दिस इट गोस, इसे कर्वीलिनियर बोलते हैं. ठीक है, जो कि रेखा प्रसाद यानी कि लैटिना टाइप का हो गया. ओके, और वल्लभी स्टाइल का अगर हम बात करें तो वो वॉल्ट चैम्बर हो गया. कैसे, वॉल्टेड चैम्बर लाइक दिस, इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से ये वॉल्टेड चैम्बर हो गया, है ना. ये मोस्टली हमको साउथ इंडियन टेम्पल में देखने को मिलते हैं. वैगन वॉल्टेड रूफ्स इन्हें कहा जाता है, या वॉल्टेड चैम्बर्स इन्हें बोलते हैं, है ना. यस, चैम्बर्स बना दिए गए. तो ये तीन टाइप के शिखर, मेनली थ्री टाइप के शिखर जो है ये होते हैं. इन्हीं स्टाइल्स को जो है ना, इन्हीं स्टाइल को जो है हमने उड़ीसा जो स्टाइल है, नायक स्टाइल जिसे कहा जाता है उड़ीसा, है ना, उड़ीसा या कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जैसे लिंगराज टेम्पल जो बने हैं, है ना, लिंगराज टेम्पल जो बना है, कोणार्क टेम्पल बना है, सन टेम्पल जिसको बोलते हैं ना, और जगन्नाथ पुरी जो टेम्पल बना है, जगन्नाथ लॉर्ड जगन्नाथ का, है ना. तो ये चीज है ना, तो ये टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ शिखर्स जो है ये बनाए बनाए गए हैं ना, ये आइडेंटिफाई मतलब ये डिफ्रेंशिएट करते हैं. फिर क्या होता है कि जैसे जो शिखर है जैसे वो एंड होता है, एक फ्लूटेड डिस्क है जिसे अमलक कहा जाता है, जिसके अंदर बोलते हैं कि वो जो है मेन अमृत भरा हुआ है, कलश के अंदर भी अमृत भरा हुआ है ना, ऐसा कहा जाता है. ठीक है, ये चीज. अब क्या है कि जो टेम्पल है, टेम्पल की जो इनसाइड वॉल्स हैं उसमें बेसिकली वर्टिकल प्लेन्स बने हुए हैं. एक वर्टिकल प्लेन, ठीक है, फिर दूसरा वर्टिकल प्लेन, फिर तीसरा वर्टिकल प्लेन. इसे बोलते हैं रथ. तो भैया वहां पर भी रथ बन गए, तीन है तो त्रिरथ, पांच है तो पंचरथ, सात है तो सप्तरथ, नाइन है तो नवरथ, है ना. यस, नाइन है तो नवरथ. ठीक है, और जो इतने भी वर्टिकल प्लेन्स हैं, इन वर्टिकल प्लेन्स में नरेटिव स्कल्पचर्स इंग्रेव किए जाते हैं. क्या किए जाते हैं, जितने भी वर्टिकल जो प्लेन्स आपने देखा होगा, जैसे मंदिर है, मंदिर की दीवारों में आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, ये इस तरीके से कुछ बना दिया जाता है अंदर, और यहाँ पर हर एक वॉल पर कुछ ना कुछ आपको एक स्कल्पचर मिल जाएगा देखने को, है ना. अगर नहीं हो तो अभी आपने नियर बाय टेम्पल्स में कभी जाइएगा ना तो देखिएगा इसको, ये आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो वो नरेटिव स्कल्पचर्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ चीज नरेट कर रहे होते हैं. यस, कोई ना कोई चीज को वो नरेशन में डाले होते हैं. हर एक मंदिर के पास होता है एम्बुलेटरी पैसेज वे. एम्बुलेटरी पैसेज वे यानी परिक्रमा स्थल. क्या बोलते हैं इसे, इसे परिक्रमा स्थल कहा जाता है. इसमें हम परिक्रमा चक्कर लगाते हैं, प्रदक्षिणा पथ. ठीक है, ये सैंक्टम सेक्रोटम का वर्ड है. और प्रमाइसिस के पास बाउंड्री वॉल या गेटवे जैसा कोई भी चीज नहीं है, जो कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल में होता है, ऐसा कुछ. देखो ये है वॉल्टेड, ये देख रहे हो, मैं जूम कर देता हूँ उसको यार, ये देखो ये है वॉल्टेड, ये है कर्वीलिनियर, है ना, ये है कर्वीलिनियर, ये है वॉल्टेड. ये बेसिकली उड़ीसा का टेम्पल है. यहाँ पर दो शिखर बने हैं, मंडप का भी शिखर है और मेन डीटी का भी शिखर है. मंडप का भी शिखर है और मेन डीटी का भी शिखर है. दिस इज द उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ऑल्सो कॉल्ड एज द कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. कलिंग स्टाइल ऑफ
आर्किटेक्चर, ARCHITECT, कहीं चीज। यहाँ पर क्या है भैया, एक्सटीरियर वॉल जो है वो लेविशली डेकोरेटेड है। यस, यहाँ पर आप देख ही सकते हो, कोई पिलर नहीं मिलेगा आपको पोर्च में। आयरन गर्डर्स यूज किए गए हैं रूफ को सपोर्ट करने के लिए। शिखर को रेखा ड्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखा ड्यूल्स। क्यों? क्योंकि वो कर्वी लीनियर है। क्यों है? वो कर्वी लीनियर है ना, ये चीज। वर्टिकली रूफ्स हैं बट शार्पली, सडनली कर्व इनवर्ड्स शार्पली, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। और जो मंडप है, जो मंडप है, उन मंडप्स को जगमोहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जगमोहन कहा जाता है मंडप को। यानी कि जो मेन डीटी, जो मेन गर्भगृह है, जो मेन गर्भगृह है, इसके बाद का जो पोर्शन है, ये है मेन गर्भगृह, इसके पास का जो पोर्शन है इसे मंडप कहा जाता है। मंडप है वो जगमोहन बोलते हैं, जगमोहन बोलते हैं, है ना। टेम्पल के पास बाउंड्री वॉल भी है। ग्राउंड प्लान जो है वो जनरली स्क्वायर है टेम्पल का। फिर दूसरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इमर्ज होता है, दैट इज द खजुराहो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पर क्या है, जो वॉल्स है, चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, लैविशली डेकोरेटेड है, लैविशली डेकोरेटेड है। और टेम्पल जो है वो सैंडस्टोन से बने गए हैं, सैंडस्टोन से बने गए हैं। यहाँ पर हमको अर्थ मंडप देखने को मिलता है, ये देखो ये है अर्ध मंडप। और आगे गए तो ये बड़ा मंडप आ गया, ये आगे गए तो और बड़ा मंडप आ गया। और ये है मेन पिलर, ये है मेन डीटी का घर, मेन डीटी का चैम्बर, ठीक है। इसके ऊपर ना ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर मान लो ये भी इसके जैसा बना दिया जाए, तो इसको बनाने के लिए क्या होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है मेरे दोस्तों? ये देखो, यहाँ देख रहे हो ऊपर कलश है ना, हर्मिका और कलश दोनों बना हुआ है बड़ा। यहाँ पर देखो हमको छोटा छोटा देखने को मिलता है ना। तो ये चीज, ये डिफ्रेंशिएट कर देता है इस चीज को, ये डिफ्रेंशिएट कर देता है। टेम्पल्स नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग है ना, या तो नॉर्थ फेसिंग होंगे या ईस्ट फेसिंग होंगे टेम्पल्स, है ना, रिलेटिवली हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर है। फिर आता है सोलंकी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये गुजरात में फॉलो किया गया, कहाँ पर? गुजरात में इसे फॉलो किया गया है, ठीक है। ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर, ये डिवॉइड ऑफ एनी कार्विंग्स, कोई भी टाइप की कार्विंग्स नहीं है। गर्भगृह मंडप से कनेक्टेड है, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, ठीक है। गर्भगृह जो है वो मंडप से कनेक्टेड है, बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। और हर एक गेटवे पर तोरण बना हुआ है, यानी कि डेकोरेटिव गेटवेज बने हैं, ठीक है। सबसे यूनिक फीचर होता है सोलंकी का कि यहाँ पर हमको एक वाटर टैंक मिलेगा, वाटर टैंक मिलेगा हर एक मंदिर में। गुजरात में आप जैसे जाओगे ना घूमने, गुजरात में, तो आपको गुजरात में चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। यस, ये यूनिक फीचर है। हर टेम्पल के प्रॉक्सिमिटी में हमको एक सूर्य कुंड, यस बिल्कुल सूर्य कुंड, ये हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये चीज ईस्ट फेसिंग है, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स ऑफ गुजरात आर ईस्ट फेसिंग, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स ऑफ द गुजरात आर ईस्ट फेसिंग, ठीक है। आप द्वारिका जाइए, है ना, देख के आइए उस टेम्पल को, आपको सेम टू सेम यही चीज मिलेगी। सोलंकी स्कूल, मारू गुजरा गुर्जरा, यस मारू गुर्जरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इसे कहा जाता है। ईस्ट फेसिंग है, जिससे कि सन रेज जैसे ही आती है वो डायरेक्टली जो सेंट्रल श्राइन है उसके ऊपर फॉल करती है, ठीक है, उसके ऊपर ये फॉल करती है, ठीक है। ये पार्ट, गॉट इट। ये था सब हमारा नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट, है ना, ये चीज, है ना, ये पार्ट, ठीक है, ये चीज, गॉट इट, ठीक है। थैंक यू रवि, थैंक यू वेरी मच, है ना। और सर भी अच्छा पढ़ाते हैं बेटा, ऐसा नहीं है ना। सो थैंक यू वेरी मच। एंड अभी हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का सेशन इसी चैनल के ऊपर, है ना। वो तो हमारा नेट क्रैक यूपीएससी चैनल के ऊपर था, अभी इसी चैनल के लिए भी हम लोग बनाएंगे पॉलिटी का, मंडे से स्टार्ट करेंगे उसे, ठीक बेटा, ये चीज। और हाँ, अब हम लोग बात करते हैं साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में ना। टेम्पल आर्किटेक्चर जो साउथ इंडिया में है, इसका इमर्जेंस शुरू होता है पल्लव रूलर्स के टाइम पर। पल्लव रूलर्स यानी कि महाबलीपुरम के टेम्पल्स, महाबलीपुरम, ठीक है। यस, ये टेम्पल, यहाँ पर एक यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इमर्ज होता है, जिसे अपन द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये इमर्ज होता है ना, ये इमर्ज होता है ना, द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर।
ठीक है, यस, फोर डिफरेंट फेजेस में, फोर डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स में हमको ममल्ल महाबलीपुरम की जो टेम्पल्स है, रथ टेम्पल्स इन्हें कहा जाता है, ये स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट स्टेज में जो पल्लव टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर है, फर्स्ट स्टेज में जो देखा है, जो शुरू होता है यहाँ पर, बेसिकली रॉक कट टेम्पल्स है। ये देखो, ये रॉक है, ये रॉक कट टेम्पल्स है, ये पूरा का पूरा मोनोलिथिक है, यस, जिसे महेंद्र ग्रुप में रखा जाता है, ये पूरी तरीके से मोनोलिथिक है। क्या है भैया? मोनोलिथिक है, ये है ना, ये चीज। ओके, हर एक टेम्पल में मंडप भी है, नगर स्टाइल को ये थोड़ा सा फॉलो करता है। ये देखो, ये पोर्टिकोज बने हुए हैं, ये पोर्टिकोज बने हुए हैं, और हर एक उसके अंदर एक डीपी है, इसका श्राइन बना हुआ है, ठीक है, उसका एक श्राइन बना हुआ है। नरसिम्हा ग्रुप जो कि सेकेंड फेज है, सेकेंड स्टेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बड़े बड़े आइसोलेटेड स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, है ना, ये चीज। इनको कहा जाता है रथ, इनको कहा जाता है रथ। इनमें सबसे बड़ा जो रथ है वो है धर्मराज रथ, सबसे छोटा जो रथ है वो है द्रौपदी रथ, ठीक है, द्रौपदी रथ, ठीक है ना। ये जो डिजाइन्स तैयार किए गए है ना, एक तरीके से देखा जाए कॉम्प्लेक्स है ये, है ना, एक तरीके से देखा जाए तो एक बड़ा सा मैदान है, और मैदान में ये ऐसा आपको दिखेगा कि यस, ये छोटे 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 रथ, ये छोटे छोटे टेम्पल्स बना बना के वहां पर रख दिए गए हैं। बेसिकली ये सारे के सारे रॉक कट है, मोनोलिथिक है बॉस, यस, रॉक कट है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है मोनोलिथिक, यस, ये है सारे के सारे मोनोलिथिक, यानी कि जो ये आप देख रहे हो ना, ये एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है ना, ये चीज। और ये एक तरीके से देखा जाए तो द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो आगे आएगी, दैट इज द सक्सेसर ऑफ द धर्मराज, ठीक है। फिर ये बने हैं शोर शोर टेम्पल्स। अब इन्हें शोर टेम्पल्स क्यों कहा जाता है, अब इन्हें शोर टेम्पल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शोर पर बने हुए हैं। अब शोर को शोरी क्यों बोलते हैं, क्यों भाई, कुछ और क्यों नहीं बोलते? अरे भाई, जब वाटर वेव्स आती हैं तो वो शोर मचाती है, हाँ, इसीलिए शोर को शोर कहा जाता है। जब वाटर वेव्स, जो सी वेव्स आती हैं किनारे पर और टकराती हैं तो वो आवाज करती हैं, इसीलिए उन्हें शोर कहा जाता है। और यहाँ पर टेम्पल बना दिए गए शोर टेम्पल्स, यहाँ पर टेम्पल्स बना दिए गए तो क्या है, श्योर टेम्पल्स। राजसिम्हा ग्रुप को ये बिलोंग करते हैं, ये थर्ड स्टेज है ऑफ द पल्लव स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, पल्लव स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पर जो रॉक कट टेम्पल्स है ये रियल सेंस में शुरू होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, ये है मेन गर्भगृह, ये है एंट्रेंस पोर्ट पॉइंट, इसके ऊपर भी एक विमान है, और ये जैसे ही मेन डिटी पर जाते हैं तो ये एक और विमान आ गया। अब ये जो विमान है ये ट्राइंगुलर इन शेप है, कुछ पिरामिडल जैसा दिखता है ना, और वॉल्टेड है, ये देखो ये वॉल्टेड है, यहाँ पे आपको बालकनी टाइप का दिखेगा हर एक उसमें, है ना, ये चीज। तो दिस इज द राजसिम्हा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, दिस इज द राजसिम्हा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। फिर बाद में आता है नंदी वर्मा, फोर्थ साइज में, फोर्थ स्टेज है ये, और बड़े बड़े टेम्पल्स बनना शुरू हो गए, जिसमें कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीवरम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। पल्लव स्टाइल जैसे ही डिक्लाइन होती है, चोला किंगडम इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को फिर से इम्प्रूव करती है और एक नया रूप देती है, जिसे हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोलते हैं। नो, अ पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, अगर आप कॉपी पेन में लिख रहे हो तो लिख लो उस पॉइंट को, जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ना, वो चोल रूलर्स के टाइम पर स्टार्ट हुआ, उसके पहले नहीं हुआ। पल्लवा इज नॉट अ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, यस, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो शुरू होता है वो चोल किंगडम के टाइम से शुरू होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे लेटर फेज में जाता है, आगे बढ़ता है, तो ये जिस तरीके से नगर स्टाइल, उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, खजुराहो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, सोलंकी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि गुजरात स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में कन्वर्ट हुआ, बिल्कुल उसी तरीके से ये डेवलप होता है। बेसरा, नायक एंड विजयनगर क्या क्या है अभी देखते हैं हम लोग, है ना, ये चीज। ओके, गॉट इट। सबसे पहले द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ना, चोला टेम्पल्स, ये देखो भैया, लो भाई मैं बता दू, ये है मेन गेटवे, इसे कहा जाता है गोपुरम, ये है मेन गेटवे, इसे कहा जाता है गोपुरम, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरा वॉल है, ये बड़ा वॉल है ना, जैसे ही वो अंदर उठे ये खाली कोर्ट यार्ड है, ओके, ये कोर्ट यार्ड है, और अंदर आए ये एक और सीढ़ियां बनी, यहाँ पर मंडप बना हुआ है, पिलर्ड हॉल है ये पिलर्ड हॉल है, पिलर्ड हॉल के बाद और अंदर गए ये आ गया गर्भगृह,
इसका एक गेटवे है हाईली ऑर्नामेंटेड और इसके ऊपर बना है विमान। यह है विमान और टॉप पर है शिखर, यह है विमान और टॉप पर है शिखर। ठीक है, बेसिकली ये जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये चोलास के टाइम पे हुआ, कंटिन्यूएशन है पल्लव स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, लेकिन बहुत सारे वेरिएशन के साथ है। ठीक है, यस। नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज सराउंडेड बाय द हाई बाउंड्री वॉल। मैंने बताया ना आपको, ये है बाउंड्री वॉल, ये देखो ये है पूरी की पूरी बाउंड्री वॉल, ये पूरे टेम्पल को सराउंड किए हुए है, पूरे टेम्पल। ठीक है, हर एक टेम्पल, हर बाउंड्री वॉल के स्टार्टिंग में है मेन गेट। मेन गेट ये क्या है? ये है मेन गेट, इसे बोलते हैं गोपुरम। जैसे जैसे हम आगे इस टेम्पल्स आर्किटेक्चर में बढ़ते चले जाएंगे, ये गोपुरम का साइज बड़ा होते चला जाएगा। अभी गोपुरम छोटा है, अभी बड़ा होने में टाइम लगेगा भैया। यस, बर्थ स्टेज में है, बड़ा होने में टाइम लगेगा, तो ये गोपुरम है। ठीक है, ये चीज है ना। यस, कुछ कुछ हद तक तो, लेकिन साउथ इंडियन, जो साउथ इंडियन टेम्पल्स है रविशंकर, है ना, साउथ इंडियन टेम्पल्स जो है खास करके, है ना, नॉट द नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स हमको नहीं मिलेंगे। या तो गुजरात वाले टेम्पल्स बोल सकते हो, तो वो जितने भी गुजरात टेम्पल्स बने हैं, वो जितने भी टेम्पल्स बने हैं, ऑल दोज आर द नगर स्टाइल, बिल्कुल सोलंकी स्टाइल को वो डिपिक्ट करते हैं। किसको? सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को वो डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ गए, है ना। है ना, नहीं उसको हम लोग गोपुरम नहीं बोलेंगे, है ना, नहीं उसे हम गोपुरम नहीं बोलेंगे, है ना। गेट वे हुए है वहां पर, गेट है लेकिन गोपुरम नहीं, उसे हम गोपुरम नहीं कहेंगे बेटा। ठीक है रविशंकर, हम जैन टेम्पल्स में जो एंट्रेंस गेट है हम उसे गोपुरम नहीं कहेंगे। ठीक है, ये पार्ट है ना। नाउ ऐसी टेम्पल प्रमाइसिस में हम लोग जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है पंचयत्र स्टाइल। तो जितने भी द्रविड़ स्टाइल है वो कैसे हैं? दे ऑल्सो फॉलो द पंचयत्न स्टाइल, है ना। पंचयत्न स्टाइल जो है, पंचयत्न स्टाइल क्या हुआ? 5 DTs, 5 DTs, प्रिंसिपल डीटी के साथ में 4 DTs और हैं, लेकिन वो ओपन स्पेस में है। लेकिन वो कहां पर है? वो ओपन स्पेस में है। ठीक है, ये पार्ट स्टेप्ड पिरामिड है, यहां पर ये देख सकते हो, दिस इज अ स्टेप्ड पिरामिड, है ना, ये स्टेप्ड पिरामिड है बेसिकली, है ना ये चीज। और जो क्राउनिंग जो एलिमेंट है ऑक्टागन शेप में है, जिसे हमने शिखर कहा गया है, वो ऑक्टागन शेप में है और ऊपर से कलश लगा हुआ है, बिल्कुल नगर स्टाइल की जैसा, लेकिन वो स्फेरिकल नहीं है यार। लेकिन ये जो है ना, ये स्फेरिकल नहीं है, वहां पर कैसा है? वो स्फेरिकल शेप में था ऊपर, है ना। यस, कलश ये जो है, ठीक है, यहाँ पर ये कलश रखा हुआ है ना ये चीज, लेकिन ये स्फेरिकल नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट है ना ये चीज। गॉट इट। एक ही विमान है द्रविड़ियन स्टाइल में, एक ही विमान है, देख सकते हो आप। नगर स्टाइल में ऐसा नहीं था कि सबके साथ, सबके अलग अलग श्राइन के साथ में विमान है, नहीं ऐसा नहीं है। एक ही जो मेन डीटी है उसी के पास विमान है, जो मेन डीटी है उसी के पास में विमान है। और एक वेस्टिब्यूलर टनल टाइप का जो है, ये गर्भगृह के लिए जाता है हॉल, ये है वेस्टिब्यूल हॉल। ठीक है, यस, इसे अंतरला कहा जाता है, इसे अंतरला कहा जाता है। ओके, ये पार्ट। और जो गेट होता है मेन डीटी का, यस, ये देखो कितना हाईली, ये कुछ यक्ष यक्षिणी से एनिमल्स ये सब रखे हुए हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर काव आउट किए गए हैं, है ना, ये चीज जो गेट पर है सुंदर किए बनाए गए हैं यहाँ पर, है ना, गर्भगृह। नाउ वाटर टैंक इज इनसाइड द टेम्पल, ये यूनिक फीचर, ये एक यूनिक फीचर है, वाटर टैंक आपको मिलेगा ना। वाटर टैंक क्यों है? साउथ इंडिया में जितने भी टेम्पल्स थे, इन टेम्पल्स को जो है, ये टेम्पल दे वर यूज्ड एज अ कल्चरल, यूज्ड एज अ कल्चरल प्लेसेस, ठीक है, एजुकेशनल प्लेसेस, एजुकेशनल प्लेसेस। और यहाँ पर जो डीटीज के साथ साथ जो है जितने भी प्रीस्ट हैं वो भी रिसाइड कर रहे हैं, वो भी रह रहे हैं, है ना, वो भी यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है, समझ गए दोस्तों, है ना, वो भी यहाँ पर रह रहे हैं, तो इसीलिए उनको पानी तो चाहिए होगा ना ये चीज। प्लस कोई बाहर से भी आया आदमी, तो ही वांट्स टू गेट प्यूरिफाइड, ओके, वाटर इज देयर, वाटर टैंक इज देयर। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पर देख सकते हो, नायक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, नायक, ये मदुरई, इसको मदुरई स्कूल भी बोलते हैं, नायक्स ने ये फ्लरिश किया था। सबसे इंपॉर्टेंट है मीनाक्षी टेम्पल, है ना, इस मदुरई स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पर है, द्रविडियन स्टाइल का ये एक हायर स्वरूप है,
कल्मिनेटेड पॉइंट्स है, प्रक्रम्स या ह्यूज कॉरिडोर्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये देख सकते हो, ये दीज आर द प्रक्रम्स, ये पोर्टिको हॉल्स हैं, पोर्टिको कॉरिडोर्स हैं ये अराउंड द गर्भगृह, अराउंड द गर्भगृह, ठीक है। यस, एम्बुलेटरी पैसेज वे है, वी कैन से दैट प्रदक्षिणा पथ ना, आईएक्स टूल में। ये देखो, ये है मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल, लार्जेस्ट गोपुरम, लार्जेस्ट। अब देखो रवि, आपने मेरे से पूछा था ना, तो जैन टेम्पल्स में हमको इस तरीके के ऑर्नामेंटेड गेटवेज नहीं मिलेंगे, इस तरीके के ऑर्नामेंटेड गेटवे। ये देखो जैसा ये मेन डीटी का है, बिल्कुल वैसा ये गोपुरम यहाँ इनिशियल सबसे आगे का है, गेटवे का है ना। ये चीजें हमको नहीं देखने को मिलेंगे। मदुरई में जो मीनाक्षी टेम्पल है, ये टॉलेस्ट गोपुरम है, टॉलेस्ट गेटवे है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये चीज, गॉट इट, ये पार्ट। अब आता है वेसरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, इसको हम कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ये देखो, ये स्टार शेप्ड में आता है, यहाँ पर विमान का हाइट कम है लेकिन ये स्टार शेप्ड में, अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो ये आपको स्टार जैसे दिखेगा, ऐसे ऐसे ये स्टाइल दिखेगी अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो, ठीक है। ये चीज, ये बीच में इसका गोपुरम का ये है ना, ये आपको स्टार शेप में दिखेगा, ठीक है। ये चीज, ये वेसरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है कर्नाटका में, है ना। ये चीज, ये कंबाइंड फीचर है नगर और द्रविड स्कूल का, हाइब्रिडाइज स्टाइल कहा जाता है इसे, स्टार शेप्ड, ठीक है। स्टार शेप्ड फीचर क्या है, विमान है ना, विमान है और हर मंडप पे विमान है ना। ओपन पैसेज वे है, ये देख सकते हो, ये ओपन पैसेज वे है पूरा, ठीक है। डोर्स और सीलिंग्स पर सब जगह डेकोरेशन है, सब जगह डेकोरेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट कर्वी लीनियर शिखर्स है। ये देखो, ये कर्वी लीनियर शिखर्स है, ये सारे के सारे शिखर्स कर्वी लीनियर है लेकिन स्टार शेप में है। कैसे है, स्टार शेप, बेस तो स्क्वायर है लेकिन ये टेम्पल कैसे बनाए गए हैं, ये स्टार बेस्ड बनाए गए हैं, स्टार बेस्ड। फिर है विजयनगर स्कूल, विजयनगर आर्किटेक्चर, जिसे हम हम्पी टेम्पल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम्पी टेम्पल्स, ठीक है। ये चीज, अब यहाँ पर जो गोपुरम बना है, सबसे इंपॉर्टेंट है गोपुरम, गोपुरम जो है चारों जगह से देखो एक जैसा दिखाई देगा। यस, पहले जो गोपुरम होता था उसका फ्रंट और बैक बस साइड से एक जैसा नहीं, पर ये चारों तरफ से एक जैसा है, कंबाइंड फीचर है विजयनगर में, चालुक्यास के भी, पांड्यास के भी, होयसलास के भी, चोलास के भी, नगर स्टाइल के भी, इंडो इस्लामिक फीचर्स भी, बीजापुर किंगडम के, ये भी सब हमको यहाँ पर हम्पी के टेम्पल्स में देखने को मिलते हैं। हाईली डेकोरेटेड, यस भैया, हाईली डेकोरेटेड कार्विंग्स के साथ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हमको मिलते हैं, मोनोलिथिक रॉक पिलर्स हैं ये सब पिलर्स, आप देख रहे हो ना, दीज ऑल दीज आर द मोनोलिथ्स। यस भैया, ये मोनोलिथ पिलर्स हैं, इनको लाके यहाँ पर जो है इरेक्ट किया गया है, यहाँ पर गोपुरम जो है वो सब साइड्स पर बना दिए गए हैं मंदिर के, ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द मंदिर गोपुरम ये बना दिए गए, ठीक है। यस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सेंट्रल मंडप जो है, यस कल्याण मंडप कहा जाता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है भैया। यस, सेंट्रल मंडप इस विजयनगर स्टाइल का जो है उसे कल्याण मंडप कहा जाता है, जहां पर मैरिजेस होते हैं, डिवाइन मैरिजेस होते हैं, ठीक है। यस, कल्याण मंडप, ये यूपीएससी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ये यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, व्हाट वाज द कल्याण मंडप, ठीक है। सेक्युलर बिल्डिंग्स और इनसाइड बनाए गए, यानी कि मंदिर प्रमाइस के अंदर ही सेक्युलर बिल्डिंग बना दिए गए, यहाँ पर प्रीस्ट के रहने का घर, मेन प्रीस्ट के रहने का घर, टाउनशिप एक तरीके से बोल सकते हो, इतने बड़े बड़े टेम्पल्स थे कि टाउनशिप तक बनाई जा सकती है, और हर एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स की सबसे लार्ज बाउंड्रीज है, एनक्लोज बाउंड्रीज। और फिर आते हैं होयसलास, कर्नाटका में हेलेबिट के टेम्पल्स है ना, होयसलास ऑफ द्वार समुद्र है ना, यस बेल्लूर, हेलेबिदु एंड श्रृंगेरी टेम्पल्स, 1050 से लेके 1300 AD तक के ये टेम्पल्स डेवलप होते हैं, ये स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप होता है यहाँ पर। क्या भैया, मल्टीपल श्राइन्स सेंट्रल पिलर हॉल के साथ में है ना, यस सॉफ्ट सोपस्टोन या चैरियट सिस्ट ये यूज किया गया है यहाँ पर, है ना। यस, मैसिव एम्फेसिस दी गई है डेकोरेशन की, टेम्पल्स टू द स्कल्पचर्स, ज्वेलरीज, वॉन्ड, डीटीज, इंटीग्रेटली कार्ड, ये सारी चीजें इन आर्किटेक्चर में यूज की गई है। ये चीज, दिस वॉज अ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द नॉर्थ इंडिया एज वेल एज द साउथ इंडिया एंड ऑफ द एंशियंट टाइम पीरियड। गॉट इट, यस दोस्तों, क्लियर हुआ ये सारी चीजें, है ना।
मिडिवल आर्किटेक्चर में ज्यादा कुछ नहीं है, है ना। इन साउथ इंडियन आर्किटेक्चर वी ऑब्जर्व मच मोर मोनोलिथिक, यस बेटा, मच मोर मोनोलिथिक स्कल्पचर्स आर देयर, बिल्कुल, है ना। बल्कि साउथ इंडिया बेसिकली क्या है बेटा, पेनिनसुलर रीजन है, प्लेटो रीजन है ना, बड़े बड़े रॉक्स हैं, हिल्स हैं, तो वहां पर उनको कार्व आउट करके ये टेम्पल्स बना दिए गए, है ना। यस, बड़े बड़े कार्व आउट करके ये टेम्पल्स बना दिए गए। हालांकि देखा जाए तो जो बृहदेश्वर टेम्पल है, दैट इज द राजराज चोला ने जो बनवाया था टेम्पल, ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वन द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, तो वो टेम्पल मोनोलिथ नहीं, ठीक है। पर हाँ ये है कि जो बड़े बड़े पार्ट हैं वो बनाए कहीं और थे, कार्व आउट कहीं और किए गए और लाके एक जगह पर असेंबल किए गए। लेकिन अगर हम रॉक कट केव्स की बात करें, और बिल्कुल, तो ये सब जो है मोनोलिथ है सारे के सारे। यस, स्पेशली कैलाशनाथ टेम्पल जो हमको एलोरा केव नंबर 16 एलोरा यहाँ पर देखने को मिलता है। यस, कैलाशनाथ लॉर्ड शिव को ये डेडिकेटेड है ये टेम्पल। ओके रवि, है ना, एक चीज क्लियर। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, मिडिवल आर्किटेक्चर को देखते हैं, है ना। जस्ट जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे इस पार्ट को, छोटा सा पार्ट है ये मिडिवल आर्किटेक्चर, है ना। तो भैया इंडिया के अंदर इस्लामिक इन्फ्लुएंस शुरू होता है 712 AD से, 712 AD से, जब यहाँ पर अरब्स इंडिया को कॉन्कर करते हैं, इस्लामिक रूलर्स इंडिया में आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन 12th century AD में दिल्ली का थ्रोन जो है ऑक्यूपाई करते हैं इस्लामिक रूलर्स, और 13th century में जो है, यस भैया, 1206 AD में, यानी कि 13th century में जो है यहाँ पर मुस्लिम डायनेस्टी जो है स्टैब्लिश, मुस्लिम डायनेस्टी इमर्ज, ठीक है, ये पार्ट क्लियर है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है, मैसिव चेंजेस, यस, कैलीग्राफी, ऑर्नामेंटेशन, ये सारी चीजें आती हैं। आर्किटेक्चर जो है पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये ब्लेंड हो जाती है इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से, एक नया आता है आर्किटेक्चर में जिसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक, जिसे कहा जाता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ट्रैबेटेड रूफ, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोग देख रहे थे द ट्रैबेटेड रूफ, है ना। ये स्टोन है, ये स्टोन का पोस्ट है और बराबर का गैप है, स्टोन, है ना, ये चीज, है ना, ये चीज, है ना, ये पार्ट, ये ओ, ये है स्टोन का लिंटल, इसे लिंटल बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसे, लिंटल, है ना, ये चीज, और ये आ गया हमारा पोस्ट, है ना, ये चीज, इसे ट्रेबेटेड रूफ कहा जाता है इस तरीके को। लेकिन इसको रिप्लेस किया किसने, आर्क्यूएटेड स्टाइल। यहाँ पर पहले एक आर्क बनाया गया, पहले एक आर्क बनाया गया और फिर बीच में एक की स्टोन को डाल दिया गया, की स्टोन जो कि इस पूरे आर्क को सपोर्ट किए हुए है। की स्टोन का मतलब क्या होता है दोस्तों, यही इसे पूरा जो है की स्टोन सपोर्ट किया इस पूरी आर्क को, है ना, सर्कुलर शेप। तो आर्क्यूएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो ये इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, पोस्ट एंड लिंटल सिस्टम को छोड़ करके आर्क वाला सिस्टम यहाँ पर मिडिवल आर्किटेक्चर में ये यूज होता है, इट इज द इंडो इस्लामिक। यस भैया, आर्क जितने भी हमको देखने को मिलते हैं, ये हमको आर्क कहीं पर भी देखने को नहीं मिले अभी तक, हमने जितना भी इंडियन स्टाइल यस ऑफ आर्किटेक्चर देखा है वहां पर हमको कहीं पर भी आर्क नहीं मिला है, वहां पर हमको कहीं पर भी आर्क नहीं मिला है दोस्तों, समझ गए, ये चीज क्लियर है ना, है ना, ये पार्ट। तो और मोस्टली यहाँ पर जो बनाए गए मिडिवल आर्किटेक्चर में वो मॉस्क थे या फिर मुजोलियम, ठीक है, मॉस्क या फिर मुजोलियम। मोर्टार को जो है सीमेंटिंग एजेंट की तरह यूज किया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट अरबेस्क्यू स्टाइल, यस भैया, अरबेस्क्यू मेथड इसको लिया गया, अरबेस्क्यू मेथड डेकोरेट करने के लिए, है ना, ये डेकोरेट करने के लिए अरबेस्क्यू मेथड को यूज किया गया, ना, ये चीज, जाली सिस्टम, ये भी जो है लेकर के आए मिडिवल आर्किटेक्चर में, ये क्या है, जाली, है ना, ये जाली सिस्टम, ये जाली एक तरीके से देखा जाए तो परफोरेटेड या टिंटेड ग्लास जो होता है ना, टिंटेड ग्लास की तरह एक्ट करती थी, यानी कि एक साइड से दिखता था दूसरी साइड से नहीं दिखता था, ठीक है,
बिल्कुल, अंदर से आप देख सकते हो बाहर का, पर बाहर से अंदर क्या है वो नहीं दिखता था। क्यों तो नहीं दिखता था? जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट कॉन्सेप्ट, है ना? यस, लाइट कॉन्सेप्ट। अंदर रोशनी कम है, बाहर रोशनी ज्यादा है, तो इसीलिए बाहर का नहीं दिखे, बाहर से अंदर का नहीं दिखेगा। जैसे इतने छोटे छोटे ये जाली में होल्स होते थे, सिर्फ सनलाइट आ सकती है, एयर आ सकती है, सनलाइट आ सकती है, एयर आ सकती है। समझ गए, है ना? ये चीज डाली वर्क्स, इंटीग्रेटेड डाली वर्क्स जो है डाली वर्क्स जो है ये यहाँ पर था, है ना? इस लाइट का काफी रिलीजन में इम्पोर्टेंस है, इस रिलीजन के अंदर, है ना? ये काफी इम्पोर्टेंट फीचर है आर्किटेक्चर का इस पीरियड में जो ये लाया गया है ना, ये पार्ट। फिर ये पेटरा ड्यूरा आर्किटेक्चर है। क्या है? पेटरा ड्यूरा। ये और शाहजहां के टाइम पर इंट्रोड्यूस की गई, पेटरा ड्यूरा शाहजहां के टाइम पर। इसमें क्या होता था कि प्रेशियस कलर्ड स्टोन्स और जेम स्टोन्स को वॉल्स के डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता था। एक काफी यूनिक फीचर है, इट इज अ वेरी 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 यूनिक फीचर। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पर। अब अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है, मिडेवल आर्किटेक्चर है, वो सल्तनत पीरियड और मुगल आर्किटेक्चर में डिवाइडेड। 1506 से 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत, इसमें स्लेव डायनेस्टी, खलजीज, तुगलक, सैयद एंड लोदीज, और फिर 1526 से लेकर के 1857 तक मुगल। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। भैया देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर था, कुछ नहीं कर पाया बेचारा। क्यों? क्योंकि 4-5 साल के तो बना था, और हाँ फिर भी उसने फर्स्ट इस्लामिक मॉस्क बनाया, मॉस्क बनाया, सबसे पहले मॉस्क यहाँ पर बनाए गए। अब देखो, जितने भी मिडिवल रूलर्स थे, इन्होंने घर नहीं बनाए पहले, इन्होंने मॉस्क बनाए सबसे। घर तो थे ही बने हुए, है ना? घर तो थे ही बने हुए। अब उनको अमनिटी गॉड के लिए घर चाहिए था, तो उसे मॉस्क यानी कि मस्जिद कहते हैं। ठीक है, यस, मामेलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि तो तरीके से था कि ब्लेंडिंग था। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आर्क है, पर ट्रू आर्क नहीं है। आर्क तो है लेकिन ट्रू आर्क नहीं है ये चीज। तो कुवतुल इस्लाम मॉस्क, कुतुब मीनार प्रमाइस में ये बनाई गई, जैन टेम्पल के जो है रेमनेंट्स को ही यूज करते। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा, ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश बलबन। और फिर जो सबसे यूनिक फीचर था, यस भैया, मिडिवल आर्किटेक्चर में अगर हम बात करें तो जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, इस्लामिक आर्किटेक्चर है, इसमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है ना वो पर्शिया का, पर्शियन इन्फ्लुएंस है। और पर्शियन इन्फ्लुएंस में मीनारेट्स को सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस दी जाती है, तो इसीलिए ये मीनार बनाई, कुतुब मीनार, जस्ट टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ इस्लाम। मीनारेट 5 स्टोरी बिल्डिंग है, इनिशियली 4 स्टोरी थी, पर आप 5 स्टोरी है यहाँ पर। 5th स्टोरी जो है वो शाह तुगलक ने इसमें ऐड करी थी, है ना? फिर उसके बाद में खलजीस ने बनवाया यहाँ पर, सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया। खलजीस ने यहाँ पर बनवाया यहाँ पर अलाई दरवाजा, ये है अलाई दरवाजा। ठीक है, यस, अलाई दरवाजा क्या है? ये ट्रू आर्क हो गया यहाँ पर। अब यानी कि ये आर्क ये बना, ये एक बना। अब इसको जोड़ने की बजाय यहाँ पर एक की स्टोन फंसा दिया, की स्टोन, ये बन गया ट्रू आर्क। ठीक है, सिरी फोर, तुगलक्स आए, तुगलक्स के टाइम पर काफी ज्यादा क्राइसिस थी, है ना? उनके पास अच्छी क्वालिटी का स्टोन नहीं था, तो दे यूज्ड द ग्रे सैंडस्टोन। अब ग्रे सैंडस्टोन का रफ है, इसके ऊपर डेकोरेशन नहीं हो सकता, इसके ऊपर डेकोरेशन नहीं हो सकता, तो इसीलिए उन्होंने डेकोरेशन पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, बैटर सिस्टम पर। यस, बैटर सिस्टम यानी कि स्लोपिंग वॉल्स, कुछ इस तरीके से जो स्लोपिंग वॉल्स है उसको उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को, और सिटीज बनाए, तुगलकाबाद, जहानाबाद, फिरोजाबाद, है ना? ये चीज। फिर लोदीज आते हैं, लोदीज ने इंट्रोड्यूस किया डबल डोम सिस्टम। अब सर, ये सिंगल डोम और डबल डोम होता क्या है? यार देखो, ये एक फ्लैट रूफ है, इसके ऊपर ये डोम बन गया, दिस इज अ सिंगल डोम। ठीक है, अब डबल डोम, तो डबल डोम क्या है? ये डोम बना है, इसके अंदर भी एक और डोम बना है। ठीक है, ये है डबल डोम, दिस इज डबल डोम। ठीक है, ये आर्किटेक्चर, तो ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया गया लोदीस में। और ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल प्लेटफॉर्म्स ये इंट्रोड्यूस किया।
अब एक्टा वर्नर प्लेटफॉर्म क्यों यूज किया गया? अरे भैया, स्क्वायर बनाओगे तो चारों तरफ से देखोगे तो एक सा तो नहीं दिखेगा, है ना ये चीज। तो ऑक्टागोनल में बनाओगे तो किसी भी एंगल से देखोगे, किसी भी जगह से देखोगे तो आपको बिल्डिंग का फ्रंट हमेशा दिखाई देगा, फ्रंट एक जैसा होगा, ऑक्टोगोनल ना, ऑक्टोगोनल बोलते हैं उसे, ठीक है ये चीज। डबल डोम क्यों बनाई गई? ताकि इनर हाइट डोम की बनाई जा सके, इनर हाइट जो है डोम की बढ़ाई जा सके और स्ट्रक्चर को और स्ट्रांग बनाया जा सके, ठीक है। ये देखो ये है ऑक्टागोनल शेप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से ये ऑक्टागोनल शेप यहाँ पर बनाया गया, ठीक है इस तरीके। ये देखो ये बिल्डिंग, आप कहीं से भी देखोगे, यहां से देखो तो एक चीज दिखेगी, यहां से देखोगे तो एक चीज दिखेगी, यहां से देखो तो एक चीज दिखेगी। प्लस ये कियोस्क का सिस्टम, यस तुगलक के टाइम पर ये कियोस्क बनना शुरू हो गए थे। ये कियोस्क बेसिकली राजपूत स्टाइल है आर्किटेक्चर का, क्या है राजपूत स्टाइल, लोधी गार्डन्स ये सब ले करना शुरू किए गए यहाँ पर ऑक्टोगोनल शेप में, ठीक है ये चीज। यानी कि मॉन्यूमेंट के अराउंड अब गार्डन्स बनना शुरू हो गए। आप देखो आगरा में देखो, है ना आगरा में देखो। लेकिन हाँ, इस चीज को और आगे फर्दर जो है एनहेंस किया मुगल्स ने, मुगल गार्डन के फॉर्म में, लोधीज में। लोधीज के भाई था, टाइम भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, ठीक है ये चीज। लेकिन उसके पहले के आप बिल्डिंग्स देखो, उसके पहले के बिल्डिंग थे फिरोजाबाद, ओके देन तुगलकाबाद और थ्री फोर्ट मेहरोली। यहाँ पर आपको गार्डन्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको गार्डन्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। गार्डन का जो था जो सिस्टम ले किया गया, दैट वॉज लेड बाय द लोधीज, दैट वॉज लेड बाय द लोधीज, ठीक है। उसको कैरी ऑन किया मुगल्स ने, चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डन, क्या भैया चार बाग, चार बाग स्टाइल, ये स्टाइल को जो है यहां पर इमर्ज किया, किसने इमर्ज किया ऑफ द मुगल्स, ठीक है मुगल्स ने। मुगल्स में भी अकबर के टाइम पर, दो बाबर ने भी इनिशिएट किया पानीपत पर जो है एक काबुली बाग मॉस्क, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये बनाई रोहिलखंड में बनाई, अयोध्या में बनाई, है ना ये चीजें, तो ये मॉस्क उन्होंने बनाई ये सारी की सारी, ओके ओके। ये पार हुमायूं, हुमायूं ने बनाई एक नई सिटी जिसको दीन पनाह कहा जाता है, क्या कहा जाता है दीन पनाह। और बाद में जो है इसी दीन पनाह को शेरगढ़ का नाम दिया शेरशाह सूरी ने, शेरगढ़ का नाम दिया शेरशाह सूरी ने। ये देखो ये आप बोल सकते, ये है लाल दरवाजा, है ना लाल दरवाजा है ये, इसे खूनी दरवाजा के नाम से भी फेमस है ये। लाल दरवाजा इसलिए है क्योंकि ये देखो ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, दिस इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, इसीलिए जो है इसे लाल दरवाजा कहते हैं, ठीक है। ये दो देखो दरवाजे के पास में दो एक तरीके से मिनारे टाइप के बने हुए जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, ये पर्शियन स्टाइल है, क्या है भैया ये पर्शियन स्टाइल है ऑफ द आर्किटेक्ट। शेरशाह सूरी के टाइम पर शेरगढ़ में उसने बनाई किलाए कोहना मॉस्क, ये किलाए कोहना मॉस्क हाई रेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर है ना। रोहतास का फोर्ट बनाया उसने जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट माना जाता था। एक तरीके से देखा जाए तो लोधी स्टाइल और मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बीच में ये जो है ये जो है ये एक तरीके से लिंक है। रविशंकर बोलते हैं सर इन स्तूपा वी कैन सी आर्क और डोम, बेटा देखो वो डोम ही है ना, यस वो डोम ही है ना। अंदर से देखा जाए तो वो फ्लैट 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 रूफ है अंदर से, ठीक है यस वो फ्लैट रूफ है, ओके ये चीज ना। अकबर के टाइम पर जो आर्किटेक्चर था उसका सबसे ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट होता है, रेड सैंडस्टोन को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एज अ बिल्डिंग मटेरियल। और यहाँ पर फोर सेंट्रिक आर्क, फोर सेंट्रिक आर्क यानी कि ट्यूडर आर्क का फॉर्मेशन शुरू होता है। यानी कि अभी तक तो क्या था कि बराबर बराबर के हिस्से काट करके एक आर्क बनाई जाए और यहाँ पर बीच में की स्टोन फंसा दिया जाए कि ठीक है ये आर्क बन गई। लेकिन अब यहाँ पर एक सही मायने में फोर सेंट्रिक आर्क ये इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। और अकबर बनाते हैं आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, अलाहाबाद फोर्ट, आगरा फोर्ट जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस है। चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर गार्डन्स ले किए जाते हैं, फोर्ट्स के अंदर भी इसी तरीके से गार्डन्स ड्रॉ किए जाते हैं। नाउ व्हाट आर द चार बाग्स, ये है ना, ये बाग को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, इसको बोलते हैं चार बाग। ये एक बाग था, ये एक बाग था यानी कि एक गार्डन था, इसमें चार गार्डन बना दिए गए, इसे बोलते हैं चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डन।
है ना। अकबर ने आगरा फोर्ट तो बनाया, लेकिन शाहजहां ने इस आगरा फोर्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से एडॉन किया। मोती मस्जिद बनाई, दीवाने आम बनाया, दीवाने खास बनाया, जहांगीरी महल बनाया, शीश महल बनाया। शीश महल एक तरीके से तुर्किश बात है ना, ये चीज ये बनाया, ये है शीश महल, दिस इज द शीश महल, है ना। ये पार्ट अकबर ने बनाई फतेहपुर सीकरी, अकबर ने बनाया फतेहपुर सीकरी, अपने लिए एक नया कैपिटल बनाया। क्या बनाया उसने? अपने लिए एक नया कैपिटल बनाया। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का ये बहुत ही नायाब क्रिएशन है, ये देख सकते हो आप। ये है मेन गेटवे, जिसको हम लोग बोलते हैं बुलंद दरवाजा, और ये है हाईली वॉल्ड, बिल्कुल ये है हाई वॉल्ड सिटी। इसके अंदर सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। फ्रोजन मूवमेंट कहा जाता है इसके हिस्ट्री को। हिंदू और पर्शियन स्टाइल का यूनिक ब्लेंड है, यूनिक ब्लेंड है। सबसे पहले है बुलंद दरवाजा, सैंडस्टोन का बना हुआ 40 मीटर का ऊंचा दरवाजा, अकबर की विक्ट्री को जो है ये कमेमोरेट करता है। गुजरात की, इस गुजरात की विक्ट्री को ये कमेमोरेट करता है यहाँ पर। फिर उसके बाद 1581 में बनाते हैं व्हाइट मार्बल से बनी हुई ब्यूटीफुल जाली वर्क अरेबेस्क्यू पैटर्न पर, ये शेख सलीम चिश्ती की टोम्ब, शेख सलीम चिश्ती की टोम्ब को। फिर उसके बाद पांच महल, जोधा बाई पैलेस या मरियम उज जमानी पैलेस और द कोट पाचीसी, ये कुछ और मॉन्यूमेंट्स हैं इनसाइड इनसाइड द मुगल बिल्डिंग्स, ठीक है। ये चीज इन द फतेहपुर सीकरी, ये देखो ये है हिरन मीनार, दिस इज एन हिरन मीनार। ये एलिफेंट्स के नाम पर, अपने उसको प्यारा एलिफेंट था हिरन, उसके नाम पर रखी गई। देखा लाइट हाउस है, दिस इज द लाइट हाउस फॉर द ट्रैवलर्स। और ये है इबादत खाना, दिस इज द इबादत खाना, ठीक है। यहाँ पर अकबर जो है रिलीजियस डिस्कशंस किया करता था, ठीक है। जहांगीर, ये है सिकंदरा, ये है अकबर का टोम, टोम ऑफ अकबर, इट इज टोम ऑफ अकबर, है ना। ये है जहांगीर, जहांगीर के टाइम पर मॉन्यूमेंट्स इतने नहीं बने, लेकिन हाँ मॉन्यूमेंट्स इतने नहीं बने, लेकिन पेंटिंग्स सबसे ज्यादा बनती, पेंटिंग्स सबसे ज्यादा बनती है, ठीक है। गोल्डन एरा है पेंटिंग का, मुगल पेंटिंग। लेकिन फिर भी इसने शालीमार बाग ले किया कश्मीर में, मोती मस्जिद बनाई लाहौर में, है ना, अकबर का टोम तैयार किया, ये चीज। और ये है इतमादुद्दौला का टोम, इतमादुद्दौला उनके फादर इन लॉ थे, ठीक है, नूरजहां के फादर थे। तो ये प्योर मार्बल की ये बनी हुई बिल्डिंग है, ये मार्बल की बनी हुई बिल्डिंग है, द टोम ऑफ इतमादुद्दौला एट आगरा, फर्स्ट मुगल मॉन्यूमेंट कंप्लीटली मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल। व्हाइट मार्बल पहली बार हुमायूं टोम में यूज किया गया है ना, ये चीज, है ना। द टोम ऑफ बाय हिज वाइफ लिखा है यहाँ पर, डॉटर है ये, TAUGHT, डॉटर नूरजहां, ठीक है। ये पार्ट नेक्स्ट है शाहजहां, शाहजहां का जो एरा है मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एरा है, मुगल आर्किटेक्चर का ये गोल्डन एरा है। यस, मैं आपको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगा अब इसके बारे में, क्योंकि वी ऑल नो दैट ताजमहल के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, जामा मस्जिद एंड सिटी ऑफ शाहजहानाबाद, ये और उसके आर्टिस्टिक क्रिएशन है, अलोंग विद तख्त ए ताऊस, अलोंग विद द तख्त ए ताऊस, पिकॉक थ्रोन जिसे कहा जाता है। औरंगजेब ने बनाया अपनी वाइफ के लिए, बिल्कुल ताजमहल के जैसा है, ये ताजमहल नहीं है, है ना, ये चीज, ठीक है, ये ताजमहल नहीं है, ठीक है। दिस इज बीबी का मकबरा, दिस बीबी का मकबरा, ठीक है। रफी उद्दौला उनकी बीबी का नाम, रफी उद्दरानी, रबिया उद्दरानी, है ना, उनकी वाइफ का नाम था, उन्हीं के याद में बनाया औरंगजेब ने। अब ये देखो सबसे मजे की बात, ये व्हाइट सैंडस्टोन का बना हुआ है, व्हाइट सैंडस्टोन का बना हुआ है, ठीक है। प्लस गार्डन्स भी इसमें ले नहीं किए गए, है ना, फाउंटेन्स भी नहीं बनाए गए, तो इसीलिए जो है, इसीलिए जो है ये औरंगाबाद में है, इसीलिए जो है ये थोड़ा सा ज्यादा टूटा फूटा सा दिखाई देता है, सिंपल सा, है ना। ताजमहल की तरह, ताजमहल की तरह जो है ये जो है हाई रिच नहीं है, ठीक है, ये चीज। तो इसलिए बोलते हैं इसे इट इज अ पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल, पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल, है ना, ये चीज कहा जाता है, ओके, ये चीज। तो इट इज द बीबी ऑफ मकबरा। औरंगजेब ने ज्यादा और कुछ किया ही नहीं, और प्लस औरंगजेब ने बनाई मोती मस्जिद, मोती मस्जिद
ये बनाई है, ये कहां पर बनाई है, ये दिल्ली फोर्ट में बनाई है। यस, द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, उसके अंदर मोती मस्जिद जो है वो औरंगजेब ने बनाई है, बस इसके अलावा औरंगजेब ने और कुछ नहीं बनाया। ठीक है, ये पार्ट गॉट इट, क्लियर है? यस यस दोस्तों, क्लियर हुआ? यस भैया, यहाँ पर ये मुगल आर्किटेक्चर अपना कंप्लीट है। अब थोड़ा सा बचा है बस मॉडर्न आर्किटेक्चर। पेंटिंग्स ऑफ जहांगीर एरा रिलेटेड क्वेश्चन वाज इन बीपीएससी जस्ट लास्ट वीक। ओके रविशंकर, तो क्या क्वेश्चन था रवि, बताओ मेरे को, पूछो ना। यस आई हैव नॉट सीन द पेपर येट, मैंने अभी तक पेपर भी नहीं देखा। व्हाट वाज द क्वेश्चन, है ना? यस, व्हाट वाज द क्वेश्चन रवि, कैन यू टेल मी? अरे बाप रे। चलो भाई, अब अपना ये टॉपिक है छोटा सा मॉडर्न आर्किटेक्चर, इसे भी अपन कंप्लीट करते हैं। भैया मुगल्स के टाइम पे ही यूरोपियंस इंडिया में आना शुरू होते हैं, है ना? यस, यूरोपियंस इंडिया में आते हैं, कॉलोनी बसाते हैं, है ना? ये चीज डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के साथ में ये एरा शुरू हो जाता है। यूरोपियंस जो आते हैं इंडिया के अंदर, यूरोपियंस जो आते हैं इंडिया के अंदर वो पोर्चुगीज हैं, फ्रेंच हैं, है ना, फ्रेंच है, डच है, डैनिश है ना, ब्रिटिश है, और ये पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है ये कल्मिनेट पहुंचता है 1947 तक, जब तक ब्रिटिश का रूल रहता है ना। यूरोपियंस जब इंडिया के अंदर आते हैं तो अपने साथ में ढेर सारा आर्किटेक्चरल स्टाइल लेकर के आते हैं। वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस भी उसी के अकॉर्डिंग है। सबसे पहला है पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस, फिर है फ्रेंच इन्फ्लुएंस, फिर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भी दो टाइप में है, नियो गॉथिक एंड द नियो रोमन। नियो, नियो का मतलब होता है न्यू, न्यू का मतलब होता है न्यू यानी कि नया, है ना? न्यू का मतलब होता है न्यू यानी कि नया। तो नया गॉथिक स्टाइल, गॉथिक यानी कि ग्रीक स्टाइल, और नया रोमन स्टाइल, है ना? यस, कुछ मॉडिफिकेशन रोमन और ग्रीक स्टाइल। बेसिकली देखा जाए तो जितना भी यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ना वो सब गॉथिक और रोमन ही है ना, और कुछ है ही नहीं। बिकॉज ग्रीस और रोम से तो सब कुछ आया, आपको सिविलाइजेशन मिली ही ग्रीक और रोम सिविलाइजेशन से है। ग्रीक और रोम सिविलाइजेशन जो है इकलौती ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि किसी भी रिवर के किनारे पर डेवलप नहीं हुई। बाकी जितनी भी सिविलाइजेशन है, जैसे चाहे मेसोपोटामिया को ले लो, इजिप्शियन को ले लो, इंडस को ले लो, चाइनीज को ले लो, ये सब जो है, ये सब सिविलाइजेशन जितनी भी है ये सब जो है रिवर के किनारे पर इमर्ज हुई सारी की सारी। ठीक है, ये चीज गॉट इट, क्लियर हुआ ये पार्ट? पोर्चुगीज इंडिया के अंदर आए, पोर्चुगीज अपने साथ में लेकर के आते हैं आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब इसे आइबेरियन क्यों कहा जाता है, अगर आपको याद हो तो ये कुछ ऐसा बना है यूरोप, यहाँ पर बना है पोर्टुगल, ये पोर्टुगल है, ये स्पेन है। ठीक है, ये एक पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला को आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइबेरियन पेनिनसुला। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इमर्ज हुआ उसे कहा जाता है आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, है ना? यस, सबसे पहले इस स्टाइल से ट्रेडिंग पोस्ट और वेयर हाउसेस बनाए गए, रेयर हाउसेस बनाए गए, और फिर इनको रिमॉडल किया गया फोर्टिफाइड टाउन्स में, कोस्ट लाइन के अराउंड में, और फिर पटायो हाउसेस बनाए गए। कैसे? पटायो हाउसेस बैरोक्यू स्टाइल में। यस, बैरक स्टाइल में। सो बैरोक्यू नहीं, ये बैरक बोलते हैं इसे, इट इज नॉट अ बैरक्यू, इट इज बैरक। यस, इट इज बैरक्यू, है ना? जैसे बैरक होते हैं ना, एक जैसे स्टाइल में। अभी आप लोग देखते हैं ना रो हाउसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ये मॉडर्न टाउनशिप में हम लोग जिनको रो हाउसेस कहते हैं वो बेसिकली पैटियो हाउसेस है। वो बेसिकली क्या है? वो पैटियो हाउसेस यानी कि एक जैसे बने हुए बैरक, जैसे जेल बनती है ना बैरक, बिल्कुल एक जैसे बने हुए वो हाउसेस होते हैं, उन्हें बैरक स्टाइल बोलते हैं। इट इज बैरक, इट इज बैरक स्टाइल।
ये चीज यहाँ पर जो स्टाइल्स बनाए गए उसमें जो जो विंडोज थे, विंडोज को थोड़ा सा कर्व दिया गया, आर्क्यूवेट शेप में विंडोज बनाए गए। जो रूफ का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर एंड करते हुए इसको यहाँ पर इस तरीके से, ये ऊपर भी एक कमरा बनाया गया, खिड़की दी गई, और उसको भी जो है, इसको भी जो है स्लांटिंग रूफ ये बनाई गई है ना, यस टैपर्ड रूफ इस तरीके से इसको बनाया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्टाइल से ही रूफ का बिल्डिंग था, और बोला था कि भैया पानी नहीं रुकेगा तो के स्ट्रेंथ बनेगी बिल्डिंग की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसी हिसाब से है ना। और कंट्रास्टिंग कलर का जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्ट्रास्टिंग कलर का जो कॉन्सेप्ट था वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अर्बन सिटी प्लानिंग फ्रेंच अपने साथ लेकर के आए, फ्रेंच अपने साथ लेकर के आए अर्बन सिटी प्लानिंग, और पुदुचेरी चंद्र नेगौर इनको बनाया। ठीक है, ये देखो ये चर्च बना है, दिस इज अ चर्च। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये जो स्टाइल है ये बिल्कुल ये ट्राइंगुलर स्टाइल में बनाया गया, और फिर यहाँ पर रूफ्स बनाए गए। ठीक है, आर्क्यूएट शेप में ये बिल्डिंग्स, ये विंडोज ये बनाए गए, विद अ पिलर इन बिटवीन, पिलर इन बिटवीन बड़े बड़े विंडोज बनाए गए है ना। ये बिल्डिंग्स इतने मैसिव बनाए गए कि यहाँ से पावर का एक अलग से शो दिखना चाहिए, मुझे लगता है कि ये बिल्डिंग्स बनाने वाला काफी पावरफुल है। लेकिन फेजेट्स काफी सिंपल थे, फेस काफी सिंपल थे, आर्किटेक्चर की स्टाइल काफी जो है इम्प्रेसिव थी, लेकिन फेजेट काफी सिंपल। और अब आती है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, अब आता है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। देखो भैया, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, 1911 से पहले का और 1911 के बाद। 1911 से पहले का जो है दैट इज द न्यू गॉथिक, न्यू गॉथिक, और इसके बाद में जो है दैट इज द न्यू रोमन स्टाइल, दैट इज द न्यू रोमन स्टाइल। ठीक है, ये चीज जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो अपने साथ लाए न्यू गॉथिक स्टाइल। क्या लाए? न्यू गॉथिक स्टाइल। इसको देख के कुछ याद आता है? यस, इसको देख के कुछ याद आता है आपको? ये कुछ कनॉट प्लेस जैसा नहीं लग रहा? यस, कनॉट पैलेस जैसा नहीं लग रहा आपको ये, है ना? ये कुछ इस तरीके से ही नहीं बना कनॉट पैलेस, ये है रोमन स्टाइल। ये क्या है भैया? रोमन स्टाइल। ये चीज, ये है गॉथिक स्टाइल, दिस इज द गॉथिक स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये जो आप देख रहे हो विंडो, विंडो ये आर्क एकदम पैना आर्क है ना, ये थोड़ा सा इस तरीके से शेप में ये बना हुआ, और सेंटर में जो है जो मेन डीटी का है या जो मेन जो हॉल है, ये बेसिकली चर्च है एक तरीके से, ये जो मेन है इसको जो है थोड़ा सा ऊंचा रखा गया, पॉइंटेड रखा गया, दिस इज द इंडो गॉथिक स्टाइल। विक्टोरियन स्टाइल भी इसे कहा जाता है, इंडियन पर्शियन और गॉथिक स्टाइल का ये ब्लेंड है यार, है ना। लार्ज एंड इलेबोरेटेड बिल्डिंग्स हैं, इनर इंडो इस्लामिक कंस्ट्रक्शन से थोड़ी सी वॉल पतली है इनकी, कार्विंग्स हैं, है ना। ये देखो विक्टोरिया पैलेस ये बना हुआ है, इसमें भी ये चार पिलर्स ये बनाए गए हैं, बड़े बड़े जो महल बनाए गए थे दैट वॉज ऑन द लाइन्स ऑफ सच, यस इसी विक्टोरियन स्टाइल में ये बनाए गए, इसी विक्टोरियन स्टाइल में ये पैलेसेस बनाए गए। एक बड़ा बिग गेट है विद हाई राइज प्लेटफॉर्म, सराउंडेड बाय अ गार्डन, सराउंडेड बाय अ गार्डन हाई प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, विथ फोर कियोस्क पिलर्स, विथ फोर कियोस्क पिलर्स, ये इस्लामिक इन्फ्लुएंस हो गया, ये इस्लामिक इन्फ्लुएंस हो गया। और यहाँ पर जो विंडोज और ये रूफ बनाए गए, ये जो है स्टाइल जो है हमारा, ये विक्टोरियन स्टाइल क्या हो गया? विक्टोरियन स्टाइल हो गया, जिसमें विंडोज जो है वो काफी बड़े बनाए गए, काफी स्पेशियस, काफी हवादार ये बनाए गए। ठीक है, यस, कॉन्क्रीट, प्योर आयरन स्टील एंड कॉन्क्रीट का यूज करें, आयरन स्टील एंड कॉन्क्रीट का यूज। और फिर लास्ट में हमारा बनता है न्यू रोमन स्टाइल, यस भैया न्यू रोमन स्टाइल, जिसमें हमारा जो है ये पार्लियामेंट हाउस ये बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन है बेसिकली, ल्यूटेंस डेली जो बनाई गई है ना, एडविन ल्यूटेंस और हार्बर्ट बेकर, अब इसे चेंज भी कर रहे हैं ना, ये फाइनेंस एग्जाम्पल है। ये देखो रोमन स्टाइल में ये बनाया गया, ये है कनॉट प्लेस सीपी, है ना, रोम ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं दिल्ली को, जब ये बनाया गया था, जब सीपी बनाया गया ना, तो इट वॉज कॉल्ड एज द रोम ऑफ हिंदुस्तान, बिकॉज ये रोमन स्टाइल में ही बनाया गया था, बिल्कुल उसी तरीके से। डबल स्टोरीड मार्केट है पूरी, और हॉर्स शू शेप में है ये बिल्डिंग, कैसे है? हॉर्स शू शेप में है ये बिल्डिंग। ठीक है, कनॉट प्लेस, गॉट इट गाइस? क्लियर है? यस माय डियर फ्रेंड्स, इज इट क्लियर टू ऑल?
है ना। ये था हमारा आज का टॉपिक, यहीं पर ये खत्म होता है दोस्तों। और आपको जितने भी फ्री प्लान्स अनलॉक करने हैं, अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस हो गई, लाइव टेस्ट सीरीज हो गई, या क्विज हो गई, या अनअकैडमी कॉम्बैट हो गई, बस सिर्फ अमित मोदी कोड यूज करना है आपको। क्या कोड यूज करना है? अमित मोदी, ये कोड यूज करना है आपको, ठीक है? अमित मोदी कोड यूज करके आप जो है इजिली, यस, आप जो है इजिली जो है, यस, अमित मोदी कोड यूज करके आप इजिली ये फ्री प्लान्स को, इनवाइट कोड यूज करके आप इजिली ये फ्री प्लान्स को आप अनलॉक कर सकते हो, इन सारे के सारे फ्री प्लान्स को अनलॉक कर सकते हो दोस्तों। ये है मेरा अनअकैडमी के ऊपर प्रोफाइल, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, इस अनअकैडमी की प्रोफाइल पर फॉलो कीजिए, कोड यूज कीजिए अमित मोदी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बिल्कुल भैया, शेयर करना मत भूलना यार, और बेल आइकन को भी हिट कर दो, जिससे जैसे ही मेरा कोई भी सेशन आता है, मेरे सेशंस रेगुलर आपको यहाँ पर इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। शेयर करना शुरू कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ दोस्तों, ओके, ये चीज। सो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अनक